हम अब डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे जो प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी जी हैं उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। एक 15 डेज के अंतर में हम उसको फॉलो करके सीखेंगे, मतलब वो टीचिंग को फॉलो करके हम सीखेंगे डायमेंशंस का मतलब क्या है। ओके, प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी प्रचार कर रहे हैं जो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके लीगल राइट्स रहते हैं जिसको हम कॉपी राइट्स कहते हैं, वो हम ले नहीं सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। ओके, तो मैं उनके शब्दों को हिंदी में जब ट्रांसलेट करती हूँ उन्हीं शब्दों को आपको सुनने मिलेगा, और प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी जी का आपको सुनने नहीं मिलेगा। आपको अगर आप चाहते हैं शेपर्ड प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी जी का भी आप सुनना चाहते हैं इंग्लिश वाला, तो आप अपने मोबाइल पर इंग्लिश को आप सुन सकते हैं, और आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर आप ये ट्रांसलेशन को, हिंदी ट्रांसलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल पर मैं उनकी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए हमको हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेट करके देना पॉसिबल है, उनका ओरिजिनल वीडियो हमारे चैनल पर लाना पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस घड़ी का हमने इंतज़ार लगाया था खुदा परमेश्वर, उस घड़ी में आपने हमको बिठाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमने इंतज़ार रखा था कि हम आत्मा के अंदर जो हमारे साथ है और चल रहा है और हमें जानना है, वो सारे सवालों का जवाब ये डायमेंशंस के प्रचार में आपने प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी जी के ऊपर परमेश्वर आपने अगुवाई करके हम तक पहुंचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं जो ANM मिनिस्ट्री में से हमको टीचिंग्स मिलती है वो बिल्कुल परमेश्वर डायमेंशन ही की टीचिंग्स हैं, लेकिन हमने परमेश्वर उनको समझा नहीं, और पिता परमेश्वर हम उनके वचन के आधार से पिता परमेश्वर डायमेंशंस के भाग हम समझ नहीं पाए। पिता हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इस समय खुदा परमेश्वर जब प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी जी ने पिता परमेश्वर हमारे सामने डायमेंशंस का प्रचार बनाकर लाया, तब पिता परमेश्वर हमें ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपने परमेश्वर ANM मिनिस्ट्री में से हमको वो स्तर पर लाकर रख दिया है जो डायमेंशंस में से हमने सीखा है। खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम नहीं जानते थे उस समय से लेकर आपने ANM मिनिस्ट्री में से हमको एक बड़े पैमाने के सामर्थ्य के डायमेंशंस में आपने हमको एंट्री करा के हमें चला रहे हो, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू आबा फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं कि हमारी अज्ञानता के कारण हमको नाश होने नहीं दिया तूने। हम परमेश्वर एक अंधे गूंगे बहरे की तरह पिता परमेश्वर अपने अगुवे की सुनते हुए चले और हमने ठोकर नहीं खाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद ANM मिनिस्ट्री हमारी अगुवाई कर रहा है और उनको सुनते हुए खुदा हमें ठोकर नहीं लगती है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, सहज और सरल भाषा में डायमेंशंस के प्रचार पिता परमेश्वर ANM मिनिस्ट्रीज में आपने रिलीज किए हैं खुदा परमेश्वर, और उस टीचिंग के आज्ञा पालन करने वालों को तूने उस डायमेंशन के ऊंचे स्तर पर लाकर रखा है। ये किसी को पता ही नहीं है पिता परमेश्वर, जिसको पता नहीं है पिता परमेश्वर उसके अंदर ये भेद, ये परमेश्वर रहस्य आज खोल दीजिए, ताकि वो कितनी बड़ी पिता परमेश्वर की एक प्रेम की भेंट को पाया है ये हमारे इंडिया कंट्री में, वो समझ पाएगा। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने ये सहारा भेजा है ANM मिनिस्ट्री का। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता सारे बातों में पिता परमेश्वर, जो जो मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर अब ऊंची होती जा रही है, जो परमेश्वर आप चाहते हो ऊंचा होना खुदा परमेश्वर, वो सब ऊंचे पर उठ जाए खुदा, और हम परमेश्वर उनके कारण पिता परमेश्वर अपने आत्मा के बल को और बढ़ चढ़ कर प्राप्त कर सके, हमारी मदद करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।
आत्मिक जीवन आपको संघर्ष भरा लग सकता है। आत्मिक जीवन में आपको हर समय हर पल एक युद्ध के समान आपके जीवन के भाग आपको लगते होंगे। आपने सीखना चाहिए अभी बरनबास और पौल का क्या अवस्था था। प्रचार करने के वक्त में सिर्फ एक ही अध्याय में हमको प्राप्त होता है कि बरनबास और पौलुस एकत्रित थे, बाकी सारे जो हम उनके विषय में सुनते हैं चर्चा, वो सारी ऐतिहासिक चर्चा ही सुनते हैं। आपको कभी भी स्वाभाविक बन के नहीं रहना है, जो नैसर्गिक रहता है उस तरह से नहीं रहना है, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां आपको उस क्षेत्र में आपको सामना करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दबाव आपको उस क्षेत्र में सहना पड़ता है जो स्वाभाविक क्षेत्र है, जो एक साधारण मनुष्य जीवन जीता है वो क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे दबाव के नीचे से आपको जाना पड़ता है। निकल जाइए, स्वाभाविक जो क्षेत्र है, जो नैसर्गिक क्षेत्र है, उसके अंदर से निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। आप बिल्कुल उस दबाव के नीचे मत रहिए। और यही जो दबाव का क्षेत्र है, उसे तीसरा डायमेंशन, तीसरा क्षेत्र कहा जाता है, जो क्षेत्र दबाव से भरा हुआ रहता है, तनाव से भरा हुआ रहता है, और जिसके अंदर भारी भारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपको सीमित रहना पड़ता है। हर एक आपकी समस्या का सुलझन आपको इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में आपको उपलब्ध जो भी है, उतने ही आधार से आपका शरीर का जीवन आपको जीना पड़ता है। इसके लिए आप वो तीसरे क्षेत्र में से बाहर निकल जाना है, ताकि आपके अंदर वो जितना भी शत्रु दबाव तनाव तीसरे क्षेत्र में डालकर आपको वो ऐसा अगुवाई कर रहा है कि अब बस तुझे तो अब समर्पित हो जाना है दुष्ट के राज्य में। इस प्रकार से वो दबाव और तनाव डाल रहा है, आप कोई परवाह नहीं है उसके दबाव की, क्या क्या किस प्रकार के चिन्ह वो दिखा रहा है आपको। कोई प्रकार से उसकी तकलीफों के नीचे रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी मनोदशा आपको उसके तकलीफों के बीच में रुकाती है। आपकी मनोदशा तीसरे क्षेत्र में जो पड़ा हुआ है, उसी को आप हथियार बना के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरे क्षेत्र में सब कुछ हथियार जो भी उपलब्ध है वो सीमित है, उसको आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर से आपको सफलता भी नहीं आएगी। इसके लिए शत्रु आपको तीसरे क्षेत्र में पकड़ के रखना चाहता है, ताकि तीसरे क्षेत्र में आपके साथ वो इतनी ज्यादती करेगा कि आप तीसरे क्षेत्र से उठ नहीं पाएंगे। तीसरे क्षेत्र के अंदर आपको मनोदशा बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपने मनोदशा नहीं तैयार की कि मैं चौथे क्षेत्र के लिए उठ जाऊं, तो आप शत्रु के वो परेशानियों को झेलते रहेंगे। आपकी मानसिकता उस परेशानियों के सामना करते करते थक सकती है, क्योंकि उसके अंदर शत्रु का जोर आपके सीमित उपलब्धियों के ऊपर ही रहता है, जो आप उपलब्ध नहीं होने से लाचार बन जाते हैं। इसके लिए आपकी मनोदशा के ऊपर वह निर्भर बनता है कि आपने फैसला उठाना है, जो हो सो हो, आपने तीसरे क्षेत्र में रुकना ही नहीं है, चाहे शत्रु क्या बताए और क्या करे, हमको उससे कोई मनोदशा के अंदर डर नहीं लेना है। किसी भी प्रकार से उसके हथियार के सामने हमको रुक कर नहीं रहना है, और जो शारीरिक अवस्था में जितनी उपलब्धियां हैं उसके आधार से अपने जवाबों के सामने हमने घुटने नहीं टेक देना है। हमने परमेश्वर का जो चौथा क्षेत्र हमको रखा गया है, उस क्षेत्र में उठने की पूरी तैयारी उठा लेना है। पूरे बल के साथ हमने ऐसे समयों में चौथे क्षेत्र की तरफ दौड़ लगानी है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमको परमेश्वर ने पानी का बपतिस्मा दिलाकर, पवित्र आत्मा से भरकर हमको तीसरे क्षेत्र में से बाहर निकाला है।
तीसरे क्षेत्र में से हमको चौथे क्षेत्र में रखा है, हम आत्मिक कहलाए जाते हैं चौथे क्षेत्र में, लेकिन शत्रु आपको आत्मिक होने नहीं देता है, क्योंकि आपकी मानसिकता मनोदशा आपको शारीरिक जीवन के आधार से ही वो जीने के लिए मजबूर करता रहता है। वो आपको असाधारण तरीके से चौथे क्षेत्र का लाभ उठाने नहीं देना चाहता है। इसके लिए वो पूरी बल के साथ आपको जो शरीर की अवस्था है उसी के अंदर दबा दबा कर आपको उसी के अंदर घेर कर रखना चाहता है, ताकि आप चौथे क्षेत्र में जो किया जाता है उस मानसिकता को हासिल नहीं कर पाए। चौथे क्षेत्र में आप दबाव के नीचे भी प्रार्थना कर लेते हैं, दबाव के नीचे भी आप परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाए रहते हैं, दबाव के बावजूद आप परमेश्वर के बीच में परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते रहते हैं। और ये जो है ये हमारा चौथा क्षेत्र है, जिसके बारे में हमको आत्मिक जीवन कहा जाता है, नई सृष्टि कहा जाता है, और ये चौथे क्षेत्र की बात है। इस क्षेत्र को ही शत्रु जीने नहीं देना चाहता है, वो चौथे क्षेत्र का जीवन हमको जीने नहीं देना चाहता है। इसके लिए शारीरिक उलझनों में वो हमको फंसाए रखता है, शारीरिक परेशानियों में वो हमको दबोच कर रखता है और पीड़ित करता है, घेरा डालता है, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को लगा के हमारे कामों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमें किसी भी प्रकार से कैद में रखने की कोशिश करता है, ताकि हमारी मनोदशा मानसिकता हमारे शारीरिक जीवन की अवस्थाओं के ऊपर ही बनी रहेगी और हम आत्मिक जीवन का कुछ भी काम कर नहीं पाएंगे, ये ही उसकी तमन्ना रहती है। इसके लिए वो जादू टोना किसी भी प्रकार से वो मुर्दों की शक्तियां, ऐसी कोई भी शक्तियों को लाकर वो आपको सिर्फ पीड़ित करते रहता है, क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ नहीं करने को मिलता है। और वो पीड़ित तभी कर सकता है जब आप फैसला नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रार्थना में उठना है, जो चौथे क्षेत्र का काम है, आपको उपवास में उठना है, जो चौथे क्षेत्र का काम है, आपको वचन में पढ़ना है, बढ़ना है, उन्नति करना है, रहस्य भेद परमेश्वर के जानना है, ये है चौथे क्षेत्र का काम। जब तक आपकी मानसिकता और मनोदशा उन चौथे क्षेत्र के आत्मिक कामों को पकड़ती नहीं है, तभी तक आप उसके कैद में रहते हैं, शत्रु के कैद में रहते हैं। लेकिन जैसे आप मानसिकता में आपका परमेश्वर के सारे कामों को पकड़ लेते हैं, तो उस जगह में आप तीसरे क्षेत्र के जो शत्रु चाहता है वो नहीं होता है, और जो आपने पकड़ लिया है चौथे क्षेत्र का काम वही जीत जाता है और आप शत्रु के पकड़ से छूट जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे छूटने के लिए, तो परमेश्वर के जो आपको लाभ रखा है आत्मिक सामर्थ्य का, वो प्राप्त नहीं करने से आपको शत्रु घेरा डाल के बंधुवाई में कैद करके और फिर आपको सताव के बीच, छल के बीच आपको मसीह आत्मिक जीवन को छुड़वा देने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, तो आपको मजबूर नहीं होना है, आपको मजबूरी के पहले ही जब सताव आ जाए, जब मुसीबतें आ जाए, जब कोई भी कुछ भी बिगड़ने की दशाओं में दिखने लगे, तुरंत आपने आत्मिक हो जाना है, वही चौथा क्षेत्र है। आत्मिक हो जाना मतलब आपने तुरंत प्रार्थना में झपट लेना है अपने आप को, वचनों की सेवा में बढ़ जाना है आपने, और उपवास में और परमेश्वर के संगति का आनंद उठाना है, वही आपकी ताकत है, वही आपकी शक्ति है जो आपको चौथे क्षेत्र की होती है, वही के अंदर से फिर शत्रु आपको पकड़ नहीं पाता है, उसके कैद में आप रुकते नहीं हैं। और अगर आपने चौथे क्षेत्र में उठने की कोशिश नहीं की, तो आपके एक तरफ से आपको शत्रु अपनी हमले दिखाएगा, दूसरी तरफ से अलग तरह तरह के हमले दिखाएगा, और अलग तरीके से दहिने बाएं से और आगे पीछे से आपको घेरा डाल के रखेगा, और फिर आखिरी में वो बोलेगा अब तुम हार चुके हो, अब हमारी दुष्टता के सामने अपने हथियार अब गिरा दो, प्रार्थना छोड़ दो, उपवास छोड़ दो, परमेश्वर के घर जाना छोड़ दो, ऐसे हमको वो जिद लगाएगा और फिर बाद में हमको वो अपने दुष्टता के राज्य में इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ये उसके काम है, ये उसके तरीके है ऐसे करने का। इसीलिए आपने उसके हाथों से छूटने का एक ही तरीका है कि आपने
हर मुसीबत हर परेशानियों के बीच में अपने हथियार को नीचे नहीं रखना है, ना ही आपने प्रार्थना छोड़ना है, ना ही आपने उपवास करना छोड़ना है, ना ही परमेश्वर के संगति में उठना बैठना छोड़ना है, ना ही परमेश्वर का घर परमेश्वर का भवन छोड़ना है, ना ही आपने कोई भी प्रकार से जो आत्मिक जीवन के आपके काम है, लेन देन है, परमेश्वर के व्यवहार में आपका भाग है, दशमांश देना, ऑफरिंग्स देना, किससे भी चीज़ों में आपने पीछे नहीं हटना है, आपने उसमें और ज्यादा मात्रा में आपने उसमें ही अपने आप का भार बढ़ाते जाना है। और यहीं पर फिर मसीहों की फिर हत्या हो जाती है, या फिर मसीही उस समय में पीछे हट जाते हैं और मसीही जीवन में से वो कट के अलग हो जाते हैं। तो ये ही होता है दुष्टता के राज्य का, जो आपको तीसरे क्षेत्र में दबाव सताव से किया जाता है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, इससे पहले कि आप कुछ किसी का सलाह मशवरा ले पाए, इससे पहले कि आप अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ पाए, आपके ऊपर वो लगातार आक्रमण करते रहते हैं, और वो लगातार आक्रमण के द्वारा वो आपकी सारी हिम्मत को तोड़ते रहते हैं, और आप नहीं समझ पाते हैं कि आपने क्या करना है ऐसे समयों में। यही तो शत्रु की चालाकी है कि आपको किसी के सामने आने नहीं देता है जो आत्मिक पावर से भरा हुआ रहता है, और आपको किसी के संगति में उठने बैठने नहीं देता है जहाँ से आप चौथे क्षेत्र में उठा लिए जाओगे। आपको इतने दबाव रखता है कि आप वचन नहीं पढ़ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, कलसिया नहीं जाने पाएंगे। तो इतनी अवस्थाओं के बावजूद आपको अपने अंदर परमेश्वर का जो स्थान है उसे बनाए रखना है। आप अपने अंदर से परमेश्वर को गहराई से पकड़े रखना है, थामे रखना है, क्योंकि वही आपको चौथे स्थान का आप प्रयोग कर रहे, उपयोग कर रहे होते हैं, और आपको वही जगह से आपकी जीत आपको मिलने वाली है और शत्रु हारने वाला है। इसके लिए आपको तीसरे क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध की आपको कोई छानबीन नहीं करनी है। उस युद्ध के अंदर का शत्रु का कोई वार आपको डराना नहीं है, कोई प्रकार से आपके अंदर चिंताओं को नहीं लाना है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है परमेश्वर की ओर से। लेकिन वो तीसरे क्षेत्र में नहीं, वो आपको चौथे क्षेत्र में उपलब्ध है। इसकी वजह से आपको अपनी मनोदशा, अपनी मानसिकता को चौथे क्षेत्र के ऊपर लाना ही पड़ता है, और पूरे बल के साथ आपको उठकर चौथे क्षेत्र में प्रवेश करना ही पड़ता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2:12 इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ेंगे उसे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको शारीरिक जीवन के आधार से जीने के लिए नहीं बुलाया है। हमको परमेश्वर ने ऐसा ऐसा सृष्टि बनाया है जो तीसरे क्षेत्र का नहीं रहता है। तो तीसरे क्षेत्र के हथियार भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र चौथा क्षेत्र है। हम आत्मिक क्षेत्र के लोग हैं और चौथा क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र होता है। इसकी वजह से आपको आपके मानसिकता में परमेश्वर के वचनों को भरना पड़ता है, आपकी मनोदशा चौथे क्षेत्र की दिशाओं में ही आपको चलाना पड़ता है। जो तीसरा क्षेत्र है उसमें आपको 5 इंद्रियों पर से चलना पड़ता है। जो आपके 5 इंद्रिय है, जो आप समझते हैं कि स्पर्श ज्ञान से, देखने वाली चीज़ों के ज्ञान से, आपके बोलने के शब्दों के ज्ञान से, सूंघने के ज्ञान से, और ऐसे प्रकार से आप अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके तीसरे क्षेत्र में जीते हैं। पर देखिए, आपको क्या कहा है जो पहले कुरिन्थियों के 2:12 में, आपको कौन सा आत्मा दिया है? आप एक बार और देखिए उसमें कौन सा आत्मा दिया है, हम पढ़ेंगे उसे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, तो संसार की आत्मा क्या करती है? हम जो पहले थे मसीह जीवन के पहले, वो हम संसार की आत्मा से जी रहे थे, और संसार की आत्मा जो है वो 5 इंद्रियों के आधार से जीती है। वो 5 इंद्रिय नाक, कान, मुंह, स्पर्श और
ये प्रकार के आप जीते हैं संसार की आत्मा में, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो आप ये अगर संसार की आत्मा में ही रुके रहेंगे तो शत्रु जीत जाएगा। आपको संसार की आत्मा के लिए नहीं रखा है, आपको जो आत्मा दिया है परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और आपके पास उस आत्मा में क्या है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो हमको जानने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि उन बातों को हमने जानना है जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है। तो आपको तीसरे क्षेत्र में कैसे क्या मिलेगा अगर आप वो चौथे क्षेत्र वाला जीवन नहीं जिएंगे। तो तीसरे क्षेत्र में तो पांच इंद्रियों के आधार से जिया जाता है, पांच इंद्रियों के आधार से युद्ध किया जाता है, लेकिन तीसरे क्षेत्र का आत्मा आपको नहीं दिया है। तो तीसरे क्षेत्र का आत्मा का उपयोग करके भी आप शत्रु के सामने हार जाएंगे। इसके लिए आपको तीसरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं करना है। आपके पास चौथे क्षेत्र का आपके पास आत्मा दिया गया है। चौथे क्षेत्र का आत्मा होने के कारण आप आत्मिक बनते हैं। चौथे क्षेत्र का आत्मा संसार के लोगों को नहीं दिया है, आपको ही दिया है जो परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। आपने उस आत्मा को प्राप्त किया है। अब आप परमेश्वर की ओर से जो आत्मा आया है वो क्या करता है, आपको उन कामों में जुड़ जाना है। उन कामों में क्या करता है वो हमें वो बातें जानने के लिए देता है जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है। अमेन। तो जब शत्रु आक्रमण करता है तो आप पांच इंद्रियों के आधार से उसका सामना मत कीजिए, क्योंकि पांच इंद्रियों का आत्मा तो संसार का आत्मा है। संसार का आत्मा के साथ आप युद्ध करके संसार का आत्मा ही आपको पछाड़ता रहेगा। इसके लिए पांच इंद्रियों को आप छोड़ दीजिए। आपके पास जो आत्मा दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से है, उस आत्मा का आप उपयोग कीजिए। वो आपको वचनों में चलाएगा, वो आपको प्रार्थना में चलाएगा, वो आपको उपवास में चलाएगा, वो आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान देकर ज्ञानी बनाएगा। यही आपकी जीत बनती है। इसी जगह से शत्रु को हराया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने इस बात को कि हम एक अलग जाति है और हमारा स्तर, हमारा क्षेत्र आत्मिक जाति कहलाया जाता है। ओके, तो हमको ये बहुत अच्छे से दिमाग में पकड़ लेना है। मसीही जीवन संसारिक आत्मा के कारण नहीं है। संसारिक आत्मा के कारण जो रहता है वो शारीरिक जीवन में जीता है। शारीरिक जीवन सिर्फ पृथ्वी से संबंधित रखता है, पांच इंद्रियों के साथ जीने के लिए हम उसमें से अलग हो चुके हैं। मसीही जीवन चौथे क्षेत्र में हो चुका है, वहां एक नया आत्मा हम में प्रवेश कर लिया है। इसके कारण वो आत्मा हमको चौथा क्षेत्र में जीवन जिलाता है, मनोदशा मानसिकता को देता है, वही को हमने धारण करना है। हम संसारिक आत्मा की ओर से नहीं चलाए जाते हैं। यही तो पौलुस प्रेरित कह रहे थे। हमको जो परमेश्वर का वचन है 12 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की 12 अध्याय का, रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 वचन यही कह रहा है कि हमको मन का नवीकरण करना है। जब हम नया करेंगे अपने मन को तो क्या नया होगा, वचन से हम सोचों में नए हो जाएंगे। जो परिस्थिति हमको पहले संसार दुख के रूप में दिखाता था, अब वो परिस्थिति हमको दुखी नहीं करती है। जो संसार हमको पहले किसी बात में हमको रगड़े झगड़े दिखाता था, तो अब हमको वो रगड़े झगड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या हो चुके, हमारे मन के अंदर नए सोचों का प्रवेश हो चुका। इसकी वजह से हमारे पास अब नया रूप है और नए सोचे हैं, तो हमारे चाल चलन भी नए बन जाते हैं। हमको माफ करना आ जाता है, हमको कोई भी परिस्थिति के ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको कुछ भी दिखावा करना नहीं पड़ता है। हम जो असलियत में परमेश्वर से प्राप्त करते हैं उसी को हम जीते हैं। यही है वो नयापन हमारे अंदर का। देखो,
प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है रोमियो के 12 अध्याय के 1 और 2 वचन में? वो कहता है कि संसार जो ज्ञान दे रहा है लोगों को, उस ज्ञान के आधार से अपने आप को रचना मत होने दीजिए। संसार आपको एक ज्ञान सिखाता है किस प्रकार से परेशानियों को झेलना है, किस प्रकार से हमने अपने जीवन को कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलाकर अपने आप को सीधे रास्ते से अलग करना है, किस प्रकार से हमने अपने फायदे कराना है, किस प्रकार से हमने किसी का नुकसान करके हमारी जीत करा लेना है, किस प्रकार से हमको घमेंट करना है, किस प्रकार से हमको कैसे प्रकार से रगड़े और झगड़े करना है, किस प्रकार से हमारा क्या फायदा होने वाला है, ये सारे संसार की बातें हैं। और संसार की कितनी भी अच्छी अच्छी बातें क्यों ना सिखाई जाए, तो भी वो संसार की बातें तीसरे क्षेत्र के लिए है जो शरीर के लिए लाभदायी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। जो आत्मा में है, जो हम आत्मिक लोग हैं, हमारे लिए उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर के द्वारा वो किए जाने के लिए संसार की आत्मा सिखाती है, लेकिन हम अब शरीर के द्वारा जीने के लिए नहीं है, मसीही जीवन आत्मा के द्वारा जीने के लिए है। तो हमारे लिए संसार का आत्मा क्या सिखाता है, उसके रूप में रंग में हमने उसके चाल ढाल में अपने आप को ढला नहीं देना है, अपने आप को उससे बचाए रखना है, उससे अलग रखना है। और हमारे पास जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी ओर से हमको क्या जानकारी आता है, जो परमेश्वर हमको देना चाहता है उसमें हमने बढ़ते जाना है। और इसके लिए पौलुस कहता है कि जल्दी से भागो वहां से, जल्दी से, जब आप संसार के ऐसे मसलों में फंसते हैं, जल्दी से बाहर निकलो, अपनी मानसिकता को जल्दी से अपने कब्जे में ले लो, अपने काबू में ले लो, और जल्दी से अपनी मानसिकता मनोदशा को चौथे क्षेत्र में ढला दो, ताकि वहां पर फिर आप परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। जब संसारिक आत्मा आपको कोई बीमारी, कोई प्रकार से आपकी परिस्थिति खराब हो गई, तो क्या सिखाती है कि इसे बीमारी कहा जाता है, ये बिना नौकरी वाला इंसान कहा जाता है, ये इस प्रकार से ये बिल्कुल अनलकी, ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा माना जाता है, ये इस इंसान को गरीब कहा जाता है, ये इंसान को, ये जानकारियाँ कौन देता है? ये जानकारियाँ संसार का आत्मा आपके ऊपर थोपता है। आपने उसको नहीं स्वीकारना है। आप गरीब नहीं है, आपके अंदर की मनोदशा आपको बताती है जो चौथे क्षेत्र की है। आप बीमार नहीं है, आपकी मनोदशा आपको चौथे क्षेत्र की जानकारी देता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ये जानकारी आपके पास है जो संसार के आत्मा के पास नहीं है। और मसीह आपके लिए गरीब बना ताकि आप धनी बन सके, ये जानकारी परमेश्वर के वचन के द्वारा चौथे क्षेत्र की जानकारी है जो संसार के पास नहीं है। संसार का आत्मा ये जानकारी नहीं देता है। इसके लिए आपके पास जो जानकारी है वो संसार का आत्मा जो जानकारी दे रहा है उससे बिल्कुल अलग है, उसके साथ वो मेल नहीं खाता है। इसकी वजह से जब संसार आपको ऐसी कुछ बातें सिखाता है तो आपने उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपके पास जो जानकारी है उससे ज्यादा ऊंचे दर्जे की जानकारी है। इसके लिए आपने बोलना है, मैं गरीब नहीं, मैं धनी हूँ, मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूँ, और मेरे लिए रास्ते असफलता नहीं, सफलताओं से भरे हुए हैं। मेरे लिए नौकरी नहीं, ऐसी अवस्था नहीं है, मेरे लिए नौकरियाँ पड़ी हुई है। मेरे लिए रिश्तेदार नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर की ओर से मेरे लिए रिश्तेदार ठहराए गए हैं। सब प्रकार से आपके पास परमेश्वर का वचन आपको दिलाता है और आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो तीसरे क्षेत्र में नहीं, वो चौथे क्षेत्र में से आपको प्राप्त होता है। अब देखिए, जब आप संसार के आत्मा के सिखाने वाले सारी बातों से अलग हो लेते हैं, अपनी मनोदशा और मानसिकता परमेश्वर के वचन के आधार से चौथे क्षेत्र वाली आप खुद होके उठकर बना लेते हैं, जिद लगाकर बना लेते हैं, तब क्या हो जाता है, सोचो में आप आनंदित हो जाते हैं, सोचो में आपको तसल्ली आ जाती है, सोचो में आपको सब कुछ सफल हो चुका दिखाई देता है, सोचो में से आपको दिखता है आप चंगे हो चुके हैं,
सोचों में से आपको दिखता है आप धनी बन चुके हैं, सोचों में से आपको सब कुछ, आपको बहुत ही हरा भरा हरियाली सा सुंदर जीवन देखने को मिलता है, लेकिन सोचों में देखने को मिलता है और वही से फिर आपके शारीरिक जीवन में वो प्रवेश करेगा। इसके लिए आपको मानसिकता में रोमियो के पत्र 12 अध्याय का 2 वचन बताता है कि अपनी सोच बदल दो। आप संसार कहता है उस सोच में मत रहो, अपनी सोच परमेश्वर के आत्मा के कारण नया बना दो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको सोचे नए नए सोचे देने के लिए आया है। आपको वो उस जगह में चौथे क्षेत्र में उठाकर आपको लेकर जाने के लिए आया है, तो आपको कोई अवस्थाओं के बीच शरीर के दायरे में नहीं देखना है। आपने झट के उठना है और अपनी मनोदशा और मानसिकता आत्मिक बनाकर सोचों में बदलाव को लाना है, तसल्ली को लेना है। आपका जीवन पूरी तरह से वहीं से बदलने जाता है। अगर मानसिकता में देखे जाए तो आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसे कुछ चीजें रखी गई है जो आपको मुफ्त में दी जाएगी, मुफ्त में, और वही चीजों के लिए आप संसार के आत्मा आपको क्या सिखाता है, आपको मेहनत करके, आपको उसे झगड़े रगड़े लगाकर, आपको बड़े संघर्ष के साथ कुछ आपको खरीदना पड़ता है, आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। आपको संसार का आत्मा ये सिखाता है, संसार के आत्मा के पास मुफ्त का कोई भी बात नहीं है, वहाँ पर मेहनत कष्ट और सब कुछ आपको बड़े पैमाने में आपको दाव लगा कर देना पड़ता है, दाम दे कर लेना पड़ता है। तो इस प्रकार का नहीं है हमारा चौथा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपको मुफ्त में रखा गया है, और वो चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है, क्या रखा गया है मुफ्त में हमारे लिए। प्रोफेसर शेफर्ड बुशीरी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो मुफ्त में क्या रखा है वो चीजें आपकी समझ में आ जाए, आपको समझ आए वो मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो मुफ्त में रखी हुई चीजें हैं वो आपके जीवनों में उतर कर आने लगे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ और भविष्यवाणी भी करता हूँ, और आपने इसके ऊपर आमेन कहना है और इसे ले लेना है। अब आप सोचोगे कि क्यों लोग ऐसे हैं जो मसीह तो है लेकिन फिर भी बीमार है, मसीह तो है लेकिन फिर भी धन संपत्ति की घटियां हैं, और मसीह तो है पर फिर भी नौकरी नहीं है, मसीह तो है लेकिन फिर भी बहुत सारा संघर्ष जीवन जीते हैं, अरे मसीह तो है लेकिन फिर भी वो बहुत सारे दुख और कष्ट को के रोते रोते हुए वो दिन काट रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए मसीह है और फिर भी ये क्यों ऐसा जी रहे, क्योंकि वो संसार की आत्मा की सुन रहे हैं। संसार की आत्मा की नहीं सुनना है आपको, संसार की आत्मा को छोड़ना है आपको, और आपके संसार की आत्मा से आपको कुछ लेना देना नहीं रखना है। आपको जो भी मिलने वाला है वो परमेश्वर का आत्मा आपको देने वाला है, जो परमेश्वर की ओर से आया है वो नया कुछ देता है, नए तरह से आपको वो तसल्ली देता है, नया कुछ आपको सिखाता है, नया आपको जीना दे सिखाता है, जीवन देता है, नए रास्ते देता है, नए तरीके से नए बातों में वो आपको ऊंचा उठाता हुआ जाता है। तो आप संसार की आत्मा को नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी मानसिकता और मनोदशा में आप चलने का अवस्था आपके शरीर पर दिख रहा है। आप अभी भी गरीब है, आप अभी भी बीमार है, आप अभी भी पीड़ित है, अब आप अभी भी रोते रोते जीते हैं, अब आप अभी भी बिना नौकरी के जी रहे हैं, आप अभी भी बहुत सारी तंगी मुसीबतों में हैं, दुख और कष्ट को झेल रहे हैं। तो ये सारी पीड़ाओं की, ये सारे छल के बातें आपको इसीलिए है क्योंकि आप शरीर के संसार के आत्मा को ही मानते हुए चल रहे हैं, इसके लिए है। आपके सोचों में अभी तक परमेश्वर के आत्मा की काम नहीं दिख रहे हैं आपको। आपको देखना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना और परमेश्वर के आत्मा का सुनना आना चाहिए, तभी आपका सोच कुछ प्राप्त करता है और आपके शरीर में वो बदलाव दिखने लगता है। तो ये हो गया तीसरा क्षेत्र से निकलना। संसार की आत्मा तीसरे क्षेत्र में शारीरिक जीवन को चलाती है। तो हमने संसार की आत्मा तो पाई नहीं है, हमने अभी पढ़ा
पहले कुरंथियों के दूसरे अध्याय के 12 वचन में कि हमको संसार की आत्मा नहीं दी गई है, हमको परमेश्वर की ओर से आत्मा मिला है और वो चौथा क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप संसार की आत्मा की सुनते हो अपने मसीही जीवन में, तो आप संसार की आत्मा के कारण बदलाव नहीं पाएंगे। जहाँ है वही बने रहोगे। इसके लिए आपको जो परमेश्वर मुफ्त में दिया हुआ है वो चौथे क्षेत्र में है। आपको उसकी सुनना है, उसकी मानना है, उसी के ऊपर भरोसा करना है और उसी के पीछे पीछे चलना है। जब आप ऐसा करोगे तो तीसरे क्षेत्र छोड़ चुके होगे। अब देखिए, तीसरे क्षेत्र की बात खत्म हो चुकी है। लड़ाई झगड़े रगड़े सारे मसले, सारी जलन कुंठा, सारे प्रकार की पीड़ाएं आपको शरीर के ऊपर ही होती है। तो शरीर को छोड़कर आप निकलो चौथे क्षेत्र में। अब शरीर को छोड़कर जब निकलते हैं चौथे क्षेत्र में, तो फिर चौथे क्षेत्र में आप ऐसा सोचेंगे कि अब मुझे यहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है, अब मैं बिल्कुल आराम से हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको ये बात अब ध्यान रखना है। तीसरे क्षेत्र की लड़ाई आपके शरीर के रगड़े झगड़ों से आपको पीड़ित किया गया था, तो आप भाग गए कहाँ पर? चौथे क्षेत्र में। चौथा क्षेत्र आपकी सच्ची जिंदगी है, जिसे आत्मिक जिंदगी कहा जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, चौथा क्षेत्र जैसा आप आत्मिक हो, वैसे दुष्टता के लोग, जो अन्य जाति लोग और कोई धर्म जाति कोई भी लोग है, उनके भी आत्मिक जीवन है। ठीक है, तो शरीर के संसार की आत्मा तो जो जो एक सभी मनुष्य जाति इस पृथ्वी के ऊपर जी लेते हैं, लेकिन आत्मिक कुछ ऐसी जातियां हैं जो बनती है आत्मा से, तो वो आत्मिक ज्ञान से भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो आत्मिक ज्ञान जरूरी नहीं वह सिर्फ परमेश्वर ही का है। हम परमेश्वर के ज्ञान से भरे हैं तो हम आत्मिक परमेश्वर के आत्मा को पाए हैं, इसीलिए हम चौथे क्षेत्र में परमेश्वर के आत्मिक बने। दूसरे धर्म जाति जो आत्माओं को प्राप्त करते हैं, वो उन आत्माओं की सुनते हुए चलते हैं, तो वो उनकी आत्मिक जीवन हो गई। तो आपको समझ में आना चाहिए, इस पृथ्वी के ऊपर आत्मिक जीवन का क्षेत्र चौथा क्षेत्र है, जहाँ पर सारे धर्म जाति सारे प्रकार के लोग जो जादू टोना करते हैं वो लोग भी, जो दुष्टता करते हैं वो लोग भी, जो अच्छे काम करते हैं वो लोग भी, जो भी आत्मा की सहायता से करते हैं वो सारे आत्मा का काम करने वाले, आत्मा की सहायता से जीवन जीने वाले, वो सब आत्मिक लोग बन जाते हैं। और उसी में फिर हम परमेश्वर की आत्मा से हो चुके, इसीलिए हम भी आत्मिक हो गए। अब हम सब इकट्ठे चौथे क्षेत्र में आते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप चौथे क्षेत्र में अकेले आत्मिक नहीं हैं। अभी और अलग अलग अन्य अन्य हर एक अलग अलग आत्माओं के साथ लोग वहां पर मौजूद है जो अपने आप को आत्मिक बना चुके हैं। तो आप मसीही आत्मिक हो, दूसरे जन और दूसरे आत्माओं के आत्मिक जन है। तो चौथा क्षेत्र सिर्फ एक एक प्रकार का सर्व सामान्य ऐसा एक स्तर है जहाँ सिर्फ आत्मिक लोग रहते हैं। तीसरा क्षेत्र सर्व सामान्य जगह है जहाँ पर शरीर जीवन से लोग जीते हैं। शरीर से मतलब जिसके शरीर का जो अवस्था है, शरीर है जिसको, जो हम मनुष्य जीवन, जो मनुष्य जाति है, बस वही लोग तीसरे क्षेत्र में जीते हैं। मनुष्य जाति का मतलब जिसको शरीर है, ओके, तो वही लोग तीसरे क्षेत्र में जीते हैं। लेकिन जिसके पास शरीर नहीं है वो आत्मा हो जाता है। तो हमारा आत्मा का घर कहाँ पर है? हमारा आत्मा का घर मतलब हम आत्मिक कहाँ बनते हैं? पृथ्वी के ऊपर नहीं, हम पृथ्वी के ऊपर शरीर बनते हैं और आत्मिक हम चौथे क्षेत्र में बनते हैं। तो हम और हमारे साथ दूसरे लोग भी अपने अपने आत्मा को मानते हुए, कहीं दूसरे दूसरे भक्ति भावनाओं से जो आत्मा का पीछा कर रहे हैं वो, उनके मानते हुए वो लोग भी आत्मिक होकर आपके साथ सामने खड़े हैं, और हम भी आत्मा में से परमेश्वर के आत्मा को फॉलो करते हुए आत्मिक बने हुए खड़े हैं उनके सामने। तो अब ये एक सर्व सामान्य मैदान है जिसे चौथा क्षेत्र कहा जाता है और जिसे आत्मिक
क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा क्षेत्र क्या है, शारीरिक क्षेत्र है जो पृथ्वी का जीवन, और चौथा क्षेत्र क्या है, आत्मिक क्षेत्र। ठीक है, अब चौथे क्षेत्र की बात हम करते हैं, हम प्रेरित पौलुस को ही देखते हैं। जब प्रेरित पौलुस की बातों को आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति के काम इतने भारी मात्रा में दिखते हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बहुत भारी मात्रा में उसके अंदर फैला हुआ है और काम कर रहा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, पौलुस चौथे क्षेत्र में आया, वह चौथे क्षेत्र आत्मिक है, वह आत्मिक बन गया, लेकिन वहाँ आने के बाद में पौलुस ने परमेश्वर को बोला, मेरे शरीर में जो काटा है उसके बारे में इलाज कर, और परमेश्वर ने उसको बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो यहूदी भाषा में इसका अगर हम मतलब निकालेंगे कि मेरे शरीर में जो कांटा है, शरीर में कांटा है, ये वाला जो कांटा बोला जाता है, तो ये कांटा क्या है, ये यहूदी भाषा का अर्थ है न्यूमोनिया, ये एक रोग का नाम है, यहूदी लोग उस रोग को एक कांटा बोलते हैं, शरीर में कांटा है, तो कांटे का शरीर में कांटा होना मतलब न्यूमोनिया होना, हमारी भाषा में हम न्यूमोनिया ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तो इस बीमारी का नाम था। तो ये प्रकार से न्यूमोनिया प्रेरित पौलुस को चौथे क्षेत्र में रहते हुए हो चुका था। अब आप देख सकते हैं वो ऐसा इंसान है जो चौथे क्षेत्र से भी पार हो चुका है, ठीक है, चौथे क्षेत्र से आगे निकल चुका है, वह बड़े बड़े चमत्कार करता था, उसके रूमाल को स्पर्श करके भी लोग चंगे हो जाते थे, उसकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे, उसने कितने सारे बड़े काम चमत्कार आप पढ़ते हैं उसकी पत्रियों में, और फिर एक शरीर का उसका दुख है कि उसके शरीर जो तीसरे क्षेत्र में है वो तीसरे क्षेत्र की बीमारी जा नहीं रही है, जबकि वो आत्मा में तो इतना ऊंचा उठ गया है, लेकिन फिर भी शरीर के जगह में उसको एक पीड़ा लगी हुई है, और वो है न्यूमोनिया। अब देखिए यहाँ पर वो लोगों को चंगा कर रहा है, और खुद के शरीर की वो हालत देखिए, वो न्यूमोनिया है, ठीक है। तो अब पौलुस को भी तो सवाल उठ चुका है, मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, तू मेरे शरीर में ये कांटा क्यों रखा है, ये न्यूमोनिया की बीमारी तीसरे क्षेत्र में जो मेरा शरीर है वह क्यों पछाड़ा जा रहा है। तो अब परमेश्वर ने क्या जवाब दिया उसको, कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप समझिए, ये एक क्षेत्र है, अनुग्रह ये एक क्षेत्र है, तो परमेश्वर ने उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उसको बोला कि तू क्या करना है, मेरे अनुग्रह के पीछे चलना है, वही तेरे लिए तेरे शरीर के जीवन की सारी कमी घटी को हैंडल कर लेगा। तो ये हो गया परमेश्वर का उसको एक बुलाहट कि अब तू चौथे क्षेत्र में नहीं रुकना है, अब तूने चौथे क्षेत्र से उठ जाना है, तुझे वहां रुकना नहीं है। तो इसका मतलब क्या बनता है, चौथे क्षेत्र में आने के बाद शरीर की पीड़ाएं खत्म नहीं होती है, आपको चौथे क्षेत्र से भी उठ जाना है। तो चौथे क्षेत्र में आ गए, इसके लिए आराम मत कीजिए, ठीक है, चौथे क्षेत्र में आने के बाद में आपको अनुग्रह के क्षेत्र में उठना है। जब अनुग्रह के क्षेत्र में उठ जाते हैं आप, तभी आपके शरीर को चमत्कार का क्षेत्र मिल जाता है, और आपके शरीर को जो चाहिए वो सब कुछ आप उपलब्ध करना शुरू हो जाते हैं। तो आप आत्मिक बन के चौथे क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन चौथे क्षेत्र में आने की वजह से शरीर की पीड़ा अभी भी जारी रहेगी, ठीक है। तो शरीर की पीड़ा के अनुसार आप परमेश्वर को दोष नहीं देना है, परमेश्वर ने चौथे क्षेत्र में लाया है आपको, आपको समझदारी दिया, जो आपको चाहिए आत्मा को
आत्मा में चलने के लिए, वो ज्ञान दिया आपको जो आपके लिए खास रखा है, वो सब कुछ आपको समझने के लिए अवसर दिया है। ये हो गया आपका चौथा क्षेत्र। लेकिन आपके शरीर को जो चाहिए, चमत्कार का जरूरत है, वो चौथे क्षेत्र में नहीं है। वो है आपको ऊपर उठना है और वो अलग क्षेत्र में रहता है। और इसीलिए पौलुस को परमेश्वर ने बोला, वो अलग क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए अब उठ जा तू, ओके? अब चौथे क्षेत्र में पड़ा मत रहे। अगर तुझे बीमारी से आजाद होना है तो कौन सा क्षेत्र बताया परमेश्वर ने, वो क्षेत्र के अंदर क्या है, चौथे क्षेत्र में क्या है, आपको मालूम पड़ा। चौथे क्षेत्र में परमेश्वर की ओर से हमको आत्मा मिलता है। चौथे क्षेत्र में परमेश्वर जो चाहता है, वो ज्ञान, समझ, बुद्धि हमको प्राप्त होती है और संसार के पास वो नहीं है, ठीक है? अब पांचवा क्षेत्र आ जाता है, फिर अगला क्षेत्र आ जाता है जहां पर परमेश्वर कहता है, अब चौथे क्षेत्र में से अगर तू कुछ डिमांड कर रहा है तो वो प्राप्त अगर तुझे करना है, तुझे उठना है पांचवे क्षेत्र के लिए, और वहां तुझे जो तू डिमांड कर रहा है वो तुझे मिल जाएगा। वो कौन सा क्षेत्र है? अनुग्रह का। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पांचवे क्षेत्र में आ जाते हैं तभी आपको अनुग्रह की आपको पूरी जानकारी हो जाती है। अब देखिए, आप जब तीसरे क्षेत्र में थे, संसार का आत्मा आपसे बात कर रहा था, आप पीड़ित रहते थे, दुखी कष्टी रहते थे, आंसू बहा बहा कर जीवन जीते होंगे, गरीबी में जीवन जीते होंगे, आप दुख और पीड़ाओं का सामना कर रहे होंगे, बीमारियों का सामना कर रहे होंगे, बहुत सारे आपके टूटे फूटे ऐसे ख्याल हो चुके होंगे जो निराशा से भरपूर रहेंगे, है ना? तो आपने तीसरे क्षेत्र को छोड़ना है, तो मैंने आपको बता दिया चौथे क्षेत्र में कैसे उठना है। चौथे क्षेत्र में आप कैसे उठते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 2:12 कहता है चौथे क्षेत्र के बारे में। वो कहता है, तुमने संसार की आत्मा नहीं पाई, तुम्हें परमेश्वर की ओर से आत्मा मिला है और वो तुमको वो बातें सब बताने के लिए दिया गया है जो परमेश्वर तुमको देना चाहता है, ज्ञानी बनाना चाहता है। तो आप चौथे क्षेत्र में आए, आप कैसे ज्ञानी बन जाते हैं? आप बाइबल रीडिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब आपकी परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है, परेशानियां बहुत हद से ज्यादा हो जाती है, तो आप क्या कर लेते हैं, उन कोई भी परिस्थिति परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, आप उसे झटके लगाकर प्रार्थनाओं के साथ गिरा देते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं और आप परिस्थितियों के सामने डट के खड़े हो जाते हैं। यही तो है वो ऐसा घर जो चट्टान पर बनाया गया है। ये मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ, ओके? ऐसा घर का मतलब हो जाता है फिर वो चट्टान के ऊपर बनाए। अब मैं वही बताती हूँ जो प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी बता रहे। वो कहते हैं कि आपको ऊंचा उठना कैसा है चौथे क्षेत्र के लिए, बाइबल रीडिंग करके, प्रार्थना करके, उपवास करके, आप परिस्थितियों के ऊपर से अपनी नज़र को हटा देते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी मानसिकता बदल जाती है, आपकी मनोदशा बदल जाती है, अपनी भावनाओं में बदलाव आ जाता है, आप सोचों के अंदर तसल्ली पाने लगते हैं, सोचों के अंदर आपको ये भी दिखने लगता है कि आप चंगे हो चुके हैं, सोचों के अंदर आपको धनी बन गए आप देखते हैं, सोचों के अंदर से आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगता है। यही है वो चौथा क्षेत्र। अब चौथे क्षेत्र में कैसे उठने का आपको तो मालूम पड़ गया, लेकिन अब क्या करना है? जब आप तीसरे क्षेत्र में, जब पीड़ा है, आप परेशानी है, इसका इंतजार नहीं करना है। आप परेशान हो या नहीं हो, आप दुख में रहे या नहीं रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं रहे, आपका चौथे क्षेत्र में बने रहना कायम होना चाहिए। कायम आपको प्रार्थना में बने रहना है, कायम लगातार आपको बाइबल में रहना है, पढ़ना है, आपको लगातार परमेश्वर के वचनों के अंदर रूप रंग आपका बनता ही रहना है। तो ये हो गया आपका कायम चौथे क्षेत्र में बने रहने के लिए। अब आ गया चौथे क्षेत्र से पांचवें क्षेत्र में कैसे जाओगे, अब इसके बारे में भी आपको सीखना है। चौथे क्षेत्र में कैसे आना है आपको मालूम पड़ गया, अब चौथे क्षेत्र से नीचे नहीं उतरना है, तीसरे क्षेत्र में चले नहीं जाना है। देखो, जब आपको परेशान करेंगे लोग, आपको पीड़ा होगी, आपको दुख देंगे लोग, आपको कष्ट देंगे, तो आपका शरीर पीड़ित है,
आपकी भावनाएं पीड़ित हो जाती है। ओके, तो आपने दोबारा शरीर के हथियार नहीं उठाना है, दोबारा शरीर के सीमित जो आपकी उपलब्धियां हैं उसके आधार से अपनी सोच को नहीं लगाना है। आपने उसके बाहर निकलकर परमेश्वर के आत्मा का क्या कहना है उस तरफ अपने मन को लगाना है और उन्हीं को अपने सोचों में रखना है। अब हो गया चौथे क्षेत्र में, बड़े आराम से आपने अपने आप को बिठा तो लिया, लेकिन चौथे क्षेत्र में आपको चमत्कार नहीं मिलते हैं। चौथे क्षेत्र में सिर्फ आपका मन नया हो जाता है, आप परिस्थिति को समझने लगते हैं, किस प्रकार से आपने उसको हैंडल करना है, उसके ऊपर कैसे आप अपने आप को हावी कर देना है, तो इस प्रकार से आप जीतना सीख जाते हैं। लेकिन चमत्कार का समय आया तो अब आपको चौथे लेवल से पांचवें लेवल में उठना है, चौथे क्षेत्र से पांचवें क्षेत्र में उठना है। तो आपको समझना चाहिए, तीसरे क्षेत्र से चौथे क्षेत्र में आने का आपको कुछ करना पड़ रहा था, प्रार्थना करना, बाइबल रीडिंग करना, उपवास करना, परमेश्वर के भवन में देना, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। अब इसके बाद पांचवें क्षेत्र में जब उठने की समय आएगी तो क्या क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी बता रहे, हम सीखेंगे पांचवें क्षेत्र में कैसे उठा, चौथे से पांचवें में कैसे जाना है। अब ये ध्यान रखिए, जब आप आत्मा आत्मा के क्षेत्र में चौथे क्षेत्र में आ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि अन्य जाति लोग भी आत्मिक बनकर चौथे क्षेत्र में रहते हैं, और वैसे ही जादू टोना ये सब करने वाले लोग भी आत्मिक बनकर वो जगह से जादू और टोनाओं के आत्माओं को काम करवाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, चौथा क्षेत्र आराम करने का क्षेत्र नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, रुके रहने के लिए। वहां पर आपका जो भी है, जैसे पौलुस ने कहा कि मेरे शरीर में जो कांटा है उसके बारे में तू क्या कहता है, तो आपको परमेश्वर का जवाब यही है कि आपका उस जगह जो चौथा क्षेत्र है वहां से आप प्राप्ति नहीं करते हैं, वहां सिर्फ आप आत्मिक बनते हैं। प्राप्ति करने के लिए पांचवें क्षेत्र में उठना पड़ता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि चौथे क्षेत्र पर आ चुके तो बस वहीं पे आपको बने नहीं रहना है, आपको चमत्कार प्राप्त करने वाले रास्ते को चलना है। और परमेश्वर ने क्या बोला पौलुस को जब कांटा के बारे में बात किया, परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अनुग्रह चौथे क्षेत्र में नहीं रहता है, ठीक है, अनुग्रह नहीं होने के कारण चौथे क्षेत्र में आकर भी लोग दोबारा नशीले नशा करने वाले बन जाते हैं, दोबारा पलट कर पाप करने वाले बन जाते हैं, दोबारा पलट कर चोरी नाश घात के अंदर अपना जीवन जीने लगते हैं। तो ये मसीह होने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं ऐसे दोबारा, क्योंकि चौथे क्षेत्र में अनुग्रह नहीं रहता है, चौथे क्षेत्र में सिर्फ आपका परिवर्तन हो गया रहता है, आपको नया सृष्टि बनाया रहता है, आप आत्मिक बन चुके होते हैं। आत्मा में होने के बाद में आप परमेश्वर के आत्मा के वचनों के कारण, प्रार्थना के कारण आप सिर्फ आत्मिक जीवन जी रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से शैतान आपको दोबारा दुष्ट आत्माओं को लगा लगा कर आपको दोबारा कैद करके वो शरीर के अवस्थाओं में दोबारा पलटा कर लाएगा, जिसके अंदर आप आत्मा की सोच नहीं पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप बाइबल रीडिंग करना छोड़ देंगे, आप कोई भी प्रकार के जो निराशा के ऐसे समय है उसके अंदर पड़े रहेंगे, दुख बिताते रहेंगे और कष्ट सहते रहेंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि अब मेरा मसीही है होना क्या फायदे का है, तो चलो दोबारा नशीड़े बन जाए, चलो दोबारा पापी बन जाए, चलो दोबारा हम ऐसे ही कर ले। तो ये क्या हो जाता है, वो आप दोबारा तीसरे क्षेत्र के संसार के आत्माओं के आप चाल ढाल में दोबारा हो लेते हैं। तो आपके पास बल नहीं है चौथे क्षेत्र के अंदर से, जो जादू टोना करने वाले लोग आपके ऊपर आक्रमण लगाकर दोबारा आपको शरीर के जीवन में खदेड़ते हुए लाते हैं, तो आप समझ जाइए चौथे क्षेत्र में होने के बाद आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप जादू टोना करने वालों का सामना कर सके, ठीक है। जादू टोना करने वाला या कोई बीमारी का सामना या कोई भी प्रकार से आपको कोई चमत्कार का जरूरत है या आपके जो भी
परेशानियों का सुलझन आप चाहते हैं वो आपको अनुग्रह से प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को यही जवाब दिया, सब कुछ के लिए अब तुझे मेरा अनुग्रह काफी है। ठीक है, तो अनुग्रह चौथे क्षेत्र में नहीं है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो चौथे क्षेत्र में आप मसीही बन जाते हैं, लेकिन अनुग्रह चौथे क्षेत्र में नहीं है। इसकी वजह से खतरे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से दोबारा आपको शारीरिक संसारिक बनाने में शैतान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब रगड़े झगड़े हो जाते हैं तो आप पुराने स्वभाव में उतर आते हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ किसी बात में कुछ बिगड़ जाता है तो आप शरीर के संसार की आत्मा की सुनकर संसार के लोगों के पास जाते हैं मदद के लिए। ठीक है, अगर आप हानि होने नहीं चाहिए, कुछ समस्या नहीं चाहिए, तो आप संसार के आत्मा की तरह अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, संसार के पास वो ज्ञान नहीं है जो आपको बचा सकता है, तो कैसे क्या उनके लोग आपको बचाएंगे? सोच के देखिए, संसार के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो कैसे क्या वो आपके लिए भरोसेमंद हो सकते हैं, है ना? तो आप क्यों उनका सहारा लेने लगे, क्यों आप संसार के आत्मा का सुनने लगे? क्योंकि आप तीसरे क्षेत्र पर भरोसा करने लगे, आप आत्मिक क्षेत्र से हट गए। आपको किसने हटाया वहां से? आपको जादू टोना करने वालों ने हटाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आत्मा के क्षेत्र में नहीं आए। समझ में आया? और जो शरीर के क्षेत्र में है, फिर उसको बंधुआई में डालना आसान हो जाता है। इसके लिए आपको वो शरीर के छोड़ दिए हुए गंदे स्वभाव में दोबारा ढलवा कर लाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? अगर दोबारा ढलवा कर उन्होंने ले लिया आपको, फिर आप मसीही जीवन में दोबारा लौट कर आने में वो आने नहीं देते हैं। वो आपके साथ युद्ध करते रहते हैं, फिर उसके बाद एक के बाद एक झपट झपट कर बीमारी डालते हैं, गरीबी डालते हैं, नाश चोरी घाट डाल देते हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक समस्याएं फेंकते रहते हैं, और आप झेलते झेलते फिर आप परेशान हो जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है, जो मसीह के बारे में आप सुनते हैं कि वो पीछे हट गया, मसीह ऐसे कैसे हो गया, वो तो मसीह बन गया, दोबारा नशे कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया, वो मसीह है, दोबारा वो रगड़े झगड़े कैसे करने लगे, अरे वो तो मसीह है, मसीह लोग हैं, फिर दोबारा वो इस प्रकार से हमारे नुकसान कैसे करने लगे। ओके, वो पहले किया करते थे, लेकिन अभी मसीह है, वो अभी नहीं करना चाहिए ऐसा, वो लेकिन कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास वो ताकत अनुग्रह नहीं है जो चौथे क्षेत्र में नहीं है आपको बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो यही कारण है कि आपको चौथे क्षेत्र में से जो जादूगर लोग, जादू टोना करने वाले लोग आपको दोबारा परेशानी में आपके शरीर को जकड़े रखते हैं। वो आसान है उनके लिए वहाँ वैसा करना चौथे क्षेत्र से। ठीक है, इसीलिए आप गैर मसीही के चरित्र में जी लेते हैं। ओके, आपको लगता है मसीही जीवन में ताकत नहीं है, ओके, आपको संभालने की, लेकिन ताकत चौथे क्षेत्र में नहीं है, ताकत पांचवें क्षेत्र में है। और जो ताकत के बारे में बोला है वो ताकत का नाम है अनुग्रह, परमेश्वर का दया। ठीक है, परमेश्वर की दया आपकी ताकत है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको जो चाहिए वो चौथे क्षेत्र में नहीं है, आपको जो शक्ति से चलना है, आपको जो दुष्ट आत्मा दुष्ट लोगों के हाथों से डट के सामना करके ऊपर उठना है, तो चौथे क्षेत्र का वो जगह नहीं है, वहां से आपको ऊंचे वाले क्षेत्र में उठना है, और वो है अनुग्रह, जहाँ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अनुग्रह है वहीं से फिर आपकी असली मसीही जीवन शुरू हो जाती है। देखो, हम जब बोलते हैं कि हमने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया है, ठीक है, तो अगर हम परमेश्वर की दया को प्राप्त कर लिए होते तो आप समझ जाइए कि हमको चौथे क्षेत्र में परमेश्वर की दया मिल चुकी है। ठीक है, परमेश्वर की दया मिल चुकी है तो इसका मतलब अनुग्रह मिल चुका है।
ठीक है, अब अनुग्रह से आप बच्चा तो ले लिए गए, लेकिन अनुग्रह और भी एक ऊपर दर्जा है, जहां पर चमत्कार की जरूरत है, वो वाला दर्जा भी अनुग्रह का आपको मिलना है, जहां पे जो जादू टोना के लोग आपको दोबारा पापी स्वभाव में उतार कर नहीं ला सकते हैं, ऐसा वाला भी अनुग्रह का एक स्तर है, जहां से आप दोबारा नशेड़ी नहीं बनेंगे, ऐसा वाला अनुग्रह का भी एक स्तर है। समझ में आया? तो अनुग्रह सिर्फ बचाने के लिए एक स्तर मिला आपको, मतलब अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर को आप स्वीकारने के लिए आपको मिल गया। अब आपका आत्मिक जीवन में पुराने स्वभाव में आप नहीं जाने का भी एक अनुग्रह है, वो अनुग्रह भी आपको प्राप्त करना है। अब आपको समझ में आना चाहिए, आपको अनुग्रह मिलने के कारण आप परमेश्वर को जानने लगे हैं, अब आप आत्मिक बन चुके हैं, तो अगर अनुग्रह आपको बचा भी लेता है, अगर आपको चौथे क्षेत्र में बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता, तो दुष्ट आत्माएं जो चौथे क्षेत्र में काम कर रही है, वो दुष्ट आत्माएं भी वो बचाने वाली शक्ति को आप देखेंगे कि उनको भी अनुग्रह बचाना शुरू करेगा। समझ में आया? तो अनुग्रह जो बचाने वाला अनुग्रह है, जो आपके शारीरिक जीवन में दोबारा आपको जाने नहीं देगा, ऐसा वाला जो अनुग्रह है, वो आपको चौथे क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ओके? आपको दोबारा वहां से मसीही जीवन छुड़वा कर शरीर के जीवन में लौट के लाना जादू टोना के लोग जिद लगाते हैं। वहां आपको बच के रहना संभव नहीं है। ओके? तो आपको बच के बचा के रखने वाला अनुग्रह, वो वाला अनुग्रह वहां चौथे क्षेत्र में नहीं है, तो आपको वहां से उठकर पांचवें क्षेत्र में आने की जरूरत है। अगर बचने का सामर्थ्य अनुग्रह अगर चौथे क्षेत्र में रहता, तो दुष्ट आत्माएं भी खुद को बचा लेती उस सामर्थ्य को प्राप्त करके, है ना? तो आप देखते हैं, मसीही जीवन के बारे में अन्य जाति के लोगों की आत्माएं भी जानती है ना? वो आत्माएं जानती है ये प्रभु यीशु है, वो आत्माएं जानती है ये प्रभु यीशु के लोग हैं, वो आत्माएं समझती है। इसका मतलब अनुग्रह सिर्फ समझने के लिए ही आपको मिला है, अभी तक उसके बचाने वाली शक्ति आपको नहीं मिली है। ओके? तो चौथे क्षेत्र में सिर्फ जानकारियों का क्षेत्र है, जहां पर मसीही कौन है, मसीही क्या है, आप जानकारियों को लेते हैं, और वो जानकारियां दूसरे आत्मिक जगत के लोग भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको काम में नहीं लाते हैं। वैसे ही आप उनको काम में लाना है। जितनी जानकारियां परमेश्वर आपको दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि संसार की आत्मा अपने आप में नहीं है, आपके लिए मुफ्त में रखी है जानकारी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको लगातार जानकारियां देते रहेगा, बस आप चौथे क्षेत्र में जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है? अब चौथे क्षेत्र में जानकारियां आ गई, अब आप पांचवें क्षेत्र के लिए उठना है। अब पांचवें क्षेत्र में जबरदस्ती आपको उठना है, जैसे तीसरे क्षेत्र में आपको जबरदस्ती निकलना पड़ता है, नहीं तो दुष्ट आत्मा के दुष्ट काम करने वाले लोग आपको जकड़े में डाल देंगे। ओके? तो आपको जबरदस्ती उसमें से निकलना पड़ता है चौथे क्षेत्र की तरफ। चौथे क्षेत्र में आकर भी जानकारियां लेकर आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आपको दोबारा वहां से धकेल देंगे दुष्ट आत्मा के जगत के लोग, आपको दोबारा शरीर के स्वभाव में डाल देंगे, आपको वैसा नहीं बनना है, क्योंकि चौथे क्षेत्र में तो बचाने की अनुग्रह नहीं है। तो बचाने की अनुग्रह अगर होती, तो बाकी दूसरे दुष्ट आत्माएं जो है वो भी बचा लेती अपने आप को। वो ऐसा क्षेत्र है जो परमेश्वर ने सबके लिए नहीं रखा है। यीशु मसीह की जानकारी ले लो, ये क्षेत्र आप कर सकते हैं चौथे क्षेत्र में, लेकिन आप बचा लिए जाओगे आपकी परिस्थितियों में, ये क्षेत्र वहां का नहीं है, ये क्षेत्र परमेश्वर का पर्सनल है, और वो उसने पांचवें क्षेत्र में डाल दिया है, जहां दुष्ट आत्मा पहुंचती नहीं है।
और उसी में बचाने वाला अनुग्रह भी है। देखो, इसी के लिए परमेश्वर ने वो शरीर में कांटा है उसको निकाला नहीं। परमेश्वर ने बोला, ये मैंने तेरे लिए काम रखा है, तू खुद उसको अपने अंदर ऊंचा स्तर प्राप्त करके निकाल देना है। तूने खुद उठना है वहां से, चौथे क्षेत्र में से तूने खुद अनुग्रह का वो क्षेत्र प्राप्त करना है जहां से तेरे अंदर का ये कांटा तू निकाल सकेगा। तो परमेश्वर कुछ समस्या हमारे लिए छोड़ देता है कि हमने खुद उठना है और उस जगह पर पहुंचना है जहां से हमारी समस्याओं का हल होता है। तो हमारे हमारे समस्या हमको ऊंचा उठने के लिए दिया जाता है। दिया जाता है मतलब सुलझाया नहीं जाता है, ठीक है। हमको खुद को उठना है ऊंचे स्तर पर, हमको खुद को उस स्तर पर चले जाना है जहां पर हमारे लिए हल, उसका सुलझन रखा हुआ है। देखिए, जो पौलुस था उसके शरीर में जो काटा है, न्यूमोनिया है, वो बोल रहा है, मैं इतना सब कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरा ये न्यूमोनिया क्यों नहीं जा रहा है, मैं लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर का ये क्यों नहीं कांटा निकल रहा है। तो परमेश्वर ने बोला, तू जो काम कर रहा है वो सबके लिए तू कर रहा है, लेकिन अब तुझे तेरे खुद के लिए भी ऊंचा उठने का समय आ चुका है, तेरे शरीर को भी कुछ ऊंचा करने का जरूरत आ चुका है, नहीं तो शैतान के लोग तुझे उस स्तर में भी अटैक कर सकते हैं। इसकी वजह से तुझे ऊंचा उठना जरूरी है, तुझे उस स्तर को ढूंढ लेना है जहाँ पर तेरे शरीर का कांटा निकाला जाएगा। वो स्तर तुझे झपट कर अभी लेने की जरूरत है। इसके लिए आपको याद रखना है, जब अब मसीह हो गए, अब आप तसल्ली पा गए, अब आप वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं अच्छे से, आप परमेश्वर में बढ़ चढ़ चुके हैं, आपको दुष्ट आत्माओं की डर नहीं है, आपको कोई भी हिस्से में आपको परेशानी नहीं लगती है, आपको बहुत अच्छा है, आपने वो अनुग्रह का पूरा काम अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। लेकिन आपको कुछ समस्या ऐसी है, ये इतना आप प्रार्थना करें, इतना उपवास किए, इतना कुछ कर लिया आपने, पर आपकी समस्या जा नहीं रही है, तो इसका मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, कुछ ऐसे ऐसे समस्या है जो मैं सुलझाऊंगा नहीं, आपको खुद को सुलझाना है। और वो सुलझाने का मतलब बनता है कि आपको अपने अंदर का अभिषेक बढ़ाना है, अपने अंदर की कुवत बढ़ाना है, अपना स्तर ऊंचा करना है अभिषेक के क्षेत्र में, ताकि दुष्ट आत्मा के जादू टोना करने वाले लोग आपको उस स्तर पर पहुंचकर कोई भी नुकसान करने ना पाए। इसके लिए अपने आप के बचाव के लिए, अपने समस्याओं को आप खुद सुलझाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आत्मिक जीवन आपका फिर उन्नति से उन्नति की तरफ जाता है, उन्नति के से उन्नति की तरफ, गवाहियों से गवाही, गवाहियों से गवाही बनता हुआ आप आत्मा की शक्ति में दर्जा पार करते हुए जाते हैं, क्षेत्र पार करते हुए जाते हैं, आपकी कुवत बदलती जाती है। इसके लिए आपको महिमा से महिमा की तरफ बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, आपको रुकना नहीं है। इसलिए आप समझ लीजिए, अभी जहाँ तीसरा क्षेत्र है शरीर में, आप आपके अड़ोस पड़ोस सारे मनुष्य जातियों को देखते हैं, अलग अलग अन्य जातियों के बीच में आप रहते हो, तो फिर आप समझ जाइए ये शरीर का क्षेत्र ऐसा है। चौथे क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र है, जहाँ आप मसीह का आत्मा पाए हैं, परमेश्वर का आत्मा पाए हैं, वैसे अन्य जातियों ने किसी और आत्मा की भक्ति करते हुए वहां पर प्रवेश कर लिया है। जादू टोना करने वाले लोग भी आत्मा के ज्ञान से उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो जैसे आप शरीर के क्षेत्र में देखते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में मनुष्य जाति अलग अलग भक्ति भावनाओं के साथ, वैसे भी आत्मा के क्षेत्र में भी यही है, अलग अलग तरीके के भक्ति भावना के आत्मिक क्षेत्र के लोग वहां पर आपके इर्द गिर्द में हैं। जैसे आप शरीर के क्षेत्र में देखते हैं आपको कोई इच्छा, कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ आपकी दोस्ती बन जाती है, वैसा ही वहां पर भी है। वहां का आत्मिक क्षेत्र में भी कुछ लोग आप, कुछ आत्मिक जन है जो आपके साथ निपटते हैं, लड़ाई करते हैं, आपके साथ दुश्मनियां निभाते हैं या रगड़े झगड़े करते हैं, आपके आत्मा के साथ
साथ उनको छेड़छाड़ करना उस आत्मा के क्षेत्र में, चौथे क्षेत्र में संभव है। और इतना ही नहीं, वो आपको आत्मिकता में से बाहर निकालकर आपको शरीर के जीवन में दोबारा ढकेल सकते हैं, ताकि आप उनके बंधुआई में पड़े रहेंगे। शरीर के क्षेत्र में आने के बाद क्या होता है, आप दोबारा पाप के स्वभाव में बदल जाते हैं, आपकी मानसिकता निराशा से भरपूर हो जाती है। यही कारण हो जाता है कि आप फिर आत्मा में नहीं बनते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल रीडिंग नहीं करते, आप कुछ नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, फिर आप बंधुआई में पड़े हुए हैं। बस यही पर फिर वो आपके शरीर को भी बंधुआई रखते हैं, आपके आत्मा को भी बंधुआई में रखते हैं। फिर आप ऊंची चढ़ान, आत्मिकता की ऊंची चढ़ान चढ़ नहीं पाते हैं, आपकी उन्नति नहीं होती है, आपकी परिस्थिति पहले से ज़्यादा नुकसानदायी हो जाती है। इतना सब कुछ आपको नुकसान सहना पड़ता है जब आप चौथे क्षेत्र में बने नहीं रहते हैं। तभी तो चौथा क्षेत्र एक एक सर्वसामान्य जगह है, जहाँ पर शरीर की जगह जैसे आप देखते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपसे जलन करता है, कोई आपको नुकसान करता है, कोई आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, वैसे ही आत्मा के जगह में भी आपका वही हो रहा होता है आपके आत्मा के ऊपर। इसके लिए आप चौथे क्षेत्र का आराम का जगह मत समझिए, ठीक है? आपको निकलना ही निकलना है चौथे क्षेत्र से पांचवें क्षेत्र की ओर। देखो, जब प्रेरित पौलुस लिख रहा था पत्री, तो वह अपने आत्मा के बदलाव को अनुभव करते हुए उसने अपने खुद के अनुभवों को उसमें लिखा है। वो कहता है रोमियों के 12 अध्याय के 2 वचन में कि मन को नया करो। वो खुद अपने सोच में से उसने देखा कि मैंने ऐसा परमेश्वर से अनुग्रह पाया, मैंने इस प्रकार से परमेश्वर का आवाज़ सुना और मेरे में ये बदलाव आया। तो वो अनुभव उसका आया, तो उसने उसी तरीके को पत्री में लिख कर दे दिया। और हमको हम पता चला कि अच्छा, तो ये तरीका है आत्मा से आत्मा में, आत्मा से आत्मा में, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा में ऊपर चढ़ते जाने का ये तरीका है। देखो, पौलुस प्रेरित इतना पीड़ित हो चुका था एक समय में कि उसने ऐसा लिखा कि मैं तो चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, तो मैं तो ये इच्छा रखता हूँ कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मरने से मैं मसीह का चेहरा आमने सामने देख सकता हूँ। लेकिन अगर जीवित रहूँ तो मसीह के लिए, और मर जाऊँ तो मसीह को देखने के लिए। तो इसके लिए वो पीड़ाओं को सहते हुए इतना निराश हो चुका था कि वो मृत्यु को भी अपने लिए वो सोचने से पीछे नहीं हटा। और ऐसी अवस्थाओं के बीच में फिर उसको न्यूमोनिया का भी उसके शरीर में बीमारी फैलने लगी थी। देखिए, जब आप चौथे क्षेत्र में रहते हैं तो आप समंदर को दुभाग नहीं सकते हैं। अगर आप शारीरिक जीवन के अंदर कुछ भी बदलाव को देखना चाहते हैं, वो आप ला नहीं सकते हैं। चौथे क्षेत्र में वो नहीं होता है। चौथे क्षेत्र में रहकर आप लाजरस को पुकार नहीं सकते हैं कि मृत्यु में से बाहर निकला, ठीक है? तो चौथे क्षेत्र में रहकर आप ये नहीं करते हैं। और तीसरे क्षेत्र में तो भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। तीसरे क्षेत्र में खड़े रहोगे कि हाँ, मैं मसीह बन गया हूँ और शारीरिक स्वभाव में भी चल रहा हूँ, बस बिल्कुल मेरे मन चाहे पाप की अवस्थाओं का आनंद लेता हुआ चल रहा हूँ। और फिर आप बोलोगे तीसरे क्षेत्र में कि समंदर दुभाग जाए, तो भी नहीं होगा। अगर आप बोलोगे लाजरस मुर्दों में से जिंदा हो जाए, तो भी नहीं होगा। तो ये क्षेत्र उन बातों में आपको जवाब नहीं देता है। जहाँ आपको पाप है, जहाँ आपके शरीर में अभी भी वो स्वभाव है जो पापी स्वभाव कहा जाता है, आप उस क्षेत्र में शारीरिक बन जाते हैं। आप शारीरिक बन के अगर इस प्रकार से आप कमांड करने लगोगे, आज्ञाएं देने लगोगे, तो वो मानी नहीं जाती है। और फिर आप इस बात को आप ध्यान रखिए, चमत्कार करने की कोशिश करोगे तीसरे क्षेत्र में शारीरिक पाप के स्वभाव में रुके हुए, वो होता नहीं है वैसा। अब
आपको मैंने बताया, आप आत्मिक बन चुके हैं, मतलब आप मसीह हो चुके हैं। आप मसीह हो चुके तो चौथे क्षेत्र में जरूर आ चुके हैं। तो चौथे क्षेत्र में आपको पवित्रता का जीवन जीना है, आपको पापी स्वभाव से हटकर जीना है, आपको दूषित करने वाले सोचों में से अलग होकर जीना है। और आप तभी जब आप चौथे क्षेत्र में आ चुके हैं और आप कमांड कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये होना है, वो होना है, इस तरह से चलना है, मतलब आप कुछ भी आज्ञा कर रहे हो तो वैसा होता जाएगा वो। तो सबसे पहले आपको शरीर में से बाहर निकलना है, चौथे क्षेत्र हो जाना है, आत्मिक बन जाना है, और फिर आत्मिक में से आपको आज्ञा लगाना है, दुष्ट आत्माएं चली जाएगी। आत्मिक क्षेत्र में से आपको आज्ञा लगाना है बीमारियों को चले जाने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में से आपको आज्ञा लगाना है लाल समंदर को दुभागना। तो कुछ हद तक आप आत्मिक क्षेत्र का चौथा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपकी बात मानी जाएगी और आपके लिए कुछ काम संभव होता जाएगा। अब भले ही चौथे क्षेत्र में आपने बहुत कुछ कर लिया, ऐसे आज्ञा देकर आपने बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया, वहां से आपकी बहुत सारी सफलताएं हो चुकी है, आप पाप भी नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की संगति में भी शुद्ध व्यवहार में जी रहे, पवित्र जीवन में जी रहे, आपने बहुत अच्छे से बहुत पक्की मजबूती पा ली है आत्मिक जीवन के चौथे क्षेत्र में, आप आज्ञा करते हैं और वैसे हो जाता है, आप प्रार्थना करते हैं वैसे हो जाता है, आप जो कुछ भी करते हैं वैसे हो जाता है, तो आपने बहुत कुछ तरक्की तो कर लिया है चौथे क्षेत्र में, लंबा समय भी आपने उस क्षेत्र में बिताया है, लेकिन रुके मत रहिए, वहां से निकल पड़िए पांचवें क्षेत्र की ओर। पांचवे से फिर छठवे, छठवे से फिर सातवें, ऐसे क्षेत्र के बदलाव के पीछे आप चलते जाइए, आप रुके मत रहिए। देखो चौथे क्षेत्र में से अगर आप दुष्ट आत्मा को भी आप आज्ञा करते हो निकल जाने की, निकल जाएंगे। अगर आप चंगा होने की आज्ञा करोगे चंगे हो जाएंगे। चौथा क्षेत्र उसी के लिए है जो आप आत्मिक होकर करना है, आप शरीर के स्वभाव में नहीं, आत्मा के अंदर से आत्मिक होकर आप कर रहे हो, ये हो जाएगा आपके आपके द्वारा चौथे क्षेत्रों में। चौथा क्षेत्र ऐसा है, देखो तीसरा क्षेत्र में आपको आत्मिक जन देख सकते हैं, आत्मिक जन मतलब अन्य जाति धर्म के जो आत्मा के अंदर से चलने वाले लोग हैं, वो लोग देख सकते हैं आत्मा के तौर तरीकों को, वो लोग चलाकर आपका पीछा कर सकते हैं। लेकिन जब आप आत्मिक बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं, तब आप दूसरों को देख पाते हैं, तब आपको कोई नहीं देख पाता है, आप दूसरों को जांच सकते हैं, आप दूसरों को परख सकते हैं, आप दूसरों का सही क्या है और गलत क्या है शरीर में, वो सब कुछ आपको एकदम स्पष्ट तरीके से मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि आत्मा में से सबसे ज्यादा उजियाला, जो उजियाला कहा जाता है, जो सच्चाई कहा जाता है, वो आपके पास है, वो संसार के जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे प्रकार के आत्माओं के द्वारा आत्मिक बनते हैं, वो उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास सच्चाई ना होने के कारण वो सही और गलत को ठीक से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और आप जब बोलते हैं ये गलत है तो आप निश्चित रहिए कि आपने सही बोला है, जब आप बोलते हैं कि ये सही है तो निश्चित रहिए कि ये सही है। लेकिन संसार के आत्मा के द्वारा या संसार के लोग जब दूसरे आत्माओं के द्वारा आत्मिक बने हुए हैं, वो लोग जब बोलते हैं ये सही और गलत है, तो आप उनके पीछे नहीं जाना है। तो आपके पास वो सामर्थ्य रहती है चौथे क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, कि आप दूसरों की जांच पड़ताल कर पाओगे, दूसरे आपकी जांच पड़ताल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास सही और सत्य नहीं है। चौथे
चौथे क्षेत्र में आपको शत्रु से युद्ध करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शत्रु के चाले आप समझ पाते हैं, शत्रु के सारे हथियार को आप पहचान लेते हैं, आप समझ जाते हैं मुझे ये नहीं ये करना है, शत्रु मुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहता है, शत्रु मुझे यहाँ से नहीं वहां से जाने देना चाहता है, तो आप किसी भी प्रकार से उसके कोई भी हथियार का सामना करना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आप अभी वो उजियाले में है जहां से आप शत्रु को और शत्रु के सारे हरकतों को सही और सच्चाई में पहचान लेते हैं। चौथे क्षेत्र में जब शत्रु आपके ऊपर आपको शारीरिक स्वभाव में लेकर जाके बंधुआई करना चाहेगा तो आप जाएंगे नहीं, शारीरिक स्वभाव की लालसा ही दिखाएगा तो आप खुद उसको मना कर दोगे। शारीरिक स्वभाव के अंदर का कोई भी आपको जो भी हथियार चलाकर किसी भी प्रकार से आपको आत्मा में से नीचे उतारना चाहेगा, आप उतरने नहीं दोगे उसे, आप अपने आप को बदल कर ऊपर उठा लोगे, आप दोबारा अपने आप को पश्चाताप हृदय भर के दोबारा आप अपने आप को सीधाई के रास्ते पर लेकर आओगे, लेकिन शत्रु के मानते नहीं रहोगे आप। ये बल है चौथे क्षेत्र का। जब आप चौथे क्षेत्र में ऐसे रह जाते हैं कि आप परमेश्वर में भरपूर और परिपूर्ण रहने से पीछे नहीं हटते हैं, तो आप फिर शत्रु से डरते नहीं हैं, लेकिन आप शत्रु को चुनौतियां देते हैं, आप शत्रु का सामना करने की पूरी तैयारी में रहते हैं, आप शत्रु के कोई हथियार और कोई भी इरादे से आप हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चौथे क्षेत्र के अंदर शत्रु का सामना होगा ही होगा, क्योंकि आत्मिक जगत में से शत्रु आपकी तरफ और आप शत्रु की तरफ आते जाते रहते हैं। आत्मिक जगह में आप अगर इस सारी बातों को नहीं समझेंगे, अगर आप आत्मिक तरह से नहीं जियोगे, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, परमेश्वर के संगति में अगर आप नहीं चलोगे, तो आत्मिक ये एक चौथा क्षेत्र ऐसा है जहां पर शत्रु अपनी एक पकड़ को बनाए रखेगा आपके ऊपर, फिर आपको धीरे धीरे वो शरीर के स्वभाव में उतार कर लाएगा, आपको शरीर में कोई पीड़ा रखेगा और आपको छल करता रहेगा, और फिर आपको नम्र करके आपको नाश करने के लिए वो आगे आगे चाले करता जाएगा। इसके लिए आपको एक ही तरीका है, आप उसके बंधुआई के अंदर के रहते हुए भी अपनी प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ना है, उपवास को नहीं छोड़ना है। वो कुछ नहीं कर पाता है जो इंसान प्रार्थना में लगा रहता है, जो उपवास में लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचनों में लगा रहता है, उसके साथ वो छेड़खानी और लंबे समय कर नहीं पाता है। वो कुछ दौर कुछ समय तक करेगा, लेकिन आप उसके पकड़ में रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका बल आपके आत्मिक कामों के कारण इतना बढ़ जाता है कि शत्रु के हथियार उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके लिए उसको आपको वो छोड़ कर चले जाना, उसके लिए वही रास्ता बनता है, वो आपके आगे आगे और पीछा करने की कोशिश में नहीं लगा रहता। देखिए, आपका स्तर आप जब बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप अगर उन्नति करना चाहते हैं आत्मिक स्तर में, आपके क्षेत्र बढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको बहुत कुछ ऐसा उपवास वगैरह लगाकर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आत्मसंयम, आपको आत्मिक शिष्टता जो है वो आपको संभालनी है, जो आत्मिक तरीके हैं, आत्मिक तरीकों को आपने सही समयबद्ध रखते हुए चलना है, बहुत कड़ाई के साथ, जैसा मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं उस प्रकार से अपने आप को क्या कहते हैं अनुशासित करना है, आपको उसके प्रकार इस प्रकार से बंधुआई में रखना है अपने आप को आत्मिक चीजों में कि आप उसमें से अलग नहीं होंगे। ऐसे आपको आत्मिक शिष्टता को, आपको आत्मिक बंधुआई में परमेश्वर के साथ बंधे हुए, मजबूती के साथ बंधे हुए, जरा भी आप हिलना डुलना नहीं है उस रास्ते से, इतना कड़ाई के साथ अपने आप को आत्मिकता में चलाते हुए चलना है, बस यही जरूरी है आत्मिक क्षेत्र को बढ़ने के लिए, या आत्मिक क्षेत्र में ऊंचा उठने के लिए इतना ही जरूरी है। देखिए, अब आपका पीछा करने वाला जो शत्रु है, वो अगर देखने लगता है कि ये आत्मिक क्षेत्र के बदलाव में बढ़ते जा रही है, तो आपको वो
अलग प्रकार से युद्ध करेगा। वो आपका एकाग्रता जो है आत्मा के अंदर का, उसके ऊपर वो काम करेगा, आपको वो परेशान करेगा एकाग्रता में, आपको एकाग्र होने नहीं देगा, वो आपको कोई बात पर लंबे समय आत्मिक काम करने नहीं देगा, आपके ध्यान को वो भटकाता रहेगा, आपके समय में वो ऐसे कुछ काम को लाएगा जहाँ पर आपका समय खत्म हो जाएगा और आप वो काम परमेश्वर के लिए जो रखा था वो कर नहीं पाएंगे। देखिए, यही वो कारण है कि आप आत्मा के अंदर बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके बीच बीच में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार से खिंचाव खिंचाव आते रहते हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपका आत्मिक में एकाग्र, आत्मिक में एक मन होकर परमेश्वर के लिए आपको मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह अपने आप को दे देना पड़ता है, जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कोई समझौता नहीं करता है, किसी भी प्रकार से वो आड़े के खड़े रहता है, जहाँ तक उसको जो करना है परमेश्वर के आत्मा के अंदर वो करके ही बाहर निकलता है। ऐसा आपको अपने आप को कठोरता के साथ, बड़े बड़े ताकत के साथ, मजबूती के साथ आपको आत्मा के रोज के जीवन में आपको बनाए रखना है अपने आप को। बस यही आपके आत्मिक उन्नति का स्तर बढ़ा देता है। अपने मन को नया कीजिए, अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचनों को भरते रहिए। फिर जब शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करके आपको शारीरिक स्वभाव में उतार कर लाना चाहेगा, तुरंत आपको फिर कुछ मालूम पड़ेगा, अरे ये तो शत्रु है और ये मुझे अब मेरे शरीर स्वभाव को जगाना चाहता है, तो मुझे इसका सामना कैसे करना है। आप वचन पढ़ चुके हैं, इसकी वजह से आप ये ऐसे सोचों को प्राप्त कर पाएंगे। और जब आप समझ लेते हैं शत्रु के चालाकी, फिर आप वहां पर रहते नहीं हैं, आप तुरंत निकल पड़ते हैं उस जगह में से, क्योंकि आप जानते हैं अब आपको किस तरफ मुड़ जाना है। और फिर आप अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक क्षेत्र में हूँ, चौथे क्षेत्र में हूँ, मैं शरीर के स्वभाव में नहीं हूँ, शरीर के कोई भी स्वभाव के हथियार से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मेरे आत्मा के क्षेत्र में मैं सब कुछ हूँ। आप अपने आप को याद दिलाते हो और फिर आप बोलते हैं, अब ये तीसरे क्षेत्र का शरीर का स्वभाव में जो भी चीजें हैं, जो भी मेरी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, मैं क्या प्राप्त करूंगा इससे, ये क्या मुझे देने वाली है, इसके अंदर क्या है ऐसे कि मैं इस पर मन लगाऊं। इस प्रकार से फिर आप उसको तुच्छ जानने लगते हैं और आप आत्मा के क्षेत्र में अपने आप को बिठाने लगते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी बातें। अगर आपको समझ आ रही है तो आपने अपने आप को ये बातों में स्थिर करना है और आमीन बोलकर इसे अपने लिए ले लेना है। इसीलिए देखो, जब हम बोलते हैं कि अभिषेक का तेल इस्तेमाल करो, तो हम क्या करते हैं, हम अभिषेक का तेल अगर किसी के ऊपर चुपड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो शरीर के स्वभाव में वो घुला हुआ पड़ा हुआ है, तो उसकी अवस्था है उसको और ज्यादा बिगाड़ देगी। तो हम उसे शरीर की अवस्थाओं में से छुड़वा देते हैं और उसको आत्मिक अवस्थाओं में चढ़ा देते हैं। ये काम करता है अभिषेक का तेल। इसकी वजह से वो आत्मिक हो जाता है इंसान और वो आत्मा के क्षेत्र के सहायता में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करने लगता है। हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं उसके ऊपर लागू हो जाती है। हम भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणियों को उसके ऊपर ले पाता है। तो आत्मा के क्षेत्र में वो जल्दी जल्दी सब कुछ लेता जाएगा और वही उसके सोचों में बैठ जाएगा और उसी के द्वारा उसके बदलाव को वो पाएगा। तो इसलिए हम लोग अभिषेक का तेल उसके ऊपर चुपड़ देते हैं, किसी इंसान के शरीर के ऊपर, क्योंकि या किसी भी वस्तु के ऊपर, क्योंकि उससे वो आत्मा के क्षेत्र में बदल जाता है। तो आप अब ये ध्यान दीजिए कि जब आप ऐसे बोलते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, अब ऐसे हो गया है मेरी अवस्थाओं का प्रकार, तो आप जब बोल रहे हैं ऐसे कि मैं गड़बड़ियों में फंसा हुआ हूँ,
और मेरे तो मुझे क्या करना है मालूम नहीं पड़ रहा है। तो आप या तो आप शरीर के अवस्थाओं में शरीर के सुन रहे हो संसार के आत्मा के द्वारा, या फिर आप ऐसा है कि आत्मा के क्षेत्र में हो, चौथे क्षेत्र में हो, और आपका सामना दुष्ट आत्माओं के साथ हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये दो वजह होती है ऐसी अवस्थाओं के बीच में। फिर आप ऐसी अवस्था में प्रार्थना कर लेते हैं, आप प्रार्थना कर लिए ठीक है, आपने किसी से प्रार्थना करवा ली ठीक है, या आप खुद प्रार्थना की है ठीक है, फिर आप आमीन बोलकर निकल आते हैं, आपको बिल्कुल हल्का फुल्का लगता है, लेकिन फिर आप शरीर के अवस्थाओं में आकर बैठ जाते हैं, आप शरीर के पांच इंद्रियों के सुनने लगते हैं, आप आत्मिकता में बने नहीं रहते हैं। ये आपकी गलती है। आपको ठीक है, आपने अवस्था बदल दी, प्रार्थना कर ली, आपने आमीन बोला, अब आपको आत्मिक अवस्था में ऊंचा उठना है, अब आपको वचन पढ़ना है, अब आपको वचन के ज्ञान में बढ़ना है, अब आपके सोचों में परमेश्वर आना चाहिए, ना कि आप बस आराम करने के लिए फिर तीसरे स्वभाव, तीसरे क्षेत्र के शरीर स्वभाव में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रार्थना करवा लेने के बाद में। इसलिए आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना पड़ता है और रुके रहना पड़ता है चौथे क्षेत्र में। आपको आपको वहां से निकलना नहीं है, जिद करके आपको आत्मिक बने रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी प्रकार से शत्रु का सामना करने के लिए कोई भी हथियार को एक इरादे के साथ उठा नहीं सकते हैं, अगर आप शरीर स्वभाव में जीना पसंद करते हैं तो। अब आपने शत्रु से छुटकारा पा लिया, आपने प्रार्थना करवा ली, आपकी गड़बड़ियां समाप्त हो गई, या आपको जो परेशानियां थी वो रुक गई, ठीक है, फिर आप आत्मिक बने रहिए। उसके बाद आप ऐसे प्रकार से अपने आत्मा में बढ़ जाइए जहाँ से शत्रु आपको देख नहीं पाएगा, वो आपको ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपका क्षेत्र बदलने में आप अपना समय लगाइए, अपने अंदर परमेश्वर के वचन को ऐसे भर दीजिए कि शत्रु के सामने करते वक्त वो वचन आपके काम आ जाए, आपकी सोचों में से वो शत्रु का सामना करता रहे। आप इतने ऊंचे उठ जाइए कि एक समय आ जाना चाहिए कि शत्रु के हाथ आप नहीं लगना है। आपके मुंह खोलकर आपको बोलना है कि मैं उठ रहा हूं इस क्षेत्र में से, ऊंचे क्षेत्र में उठने के लिए, मैं ऊंचे क्षेत्र की तरफ चलने के लिए उठ रहा हूं। आपको ऊंची आवाज में बोलना है, अपने अंदर से आपने एक निश्चय और फैसला करके उठना है। देखिए, कभी कभी आपको दिखता है कि कुछ आत्मिक लोग हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ तो ऐसे फालतू के कामों में फंसे हुए हैं, जहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। कोई रिश्तेदारों के बीच में फंसे हैं, कोई पिक्चर को देखने में फंसे हैं, कोई वीडियो सिनेमा या कोई गेम्स खेलते हुए प्राप्त होते हैं, कोई दोस्तों के बीच में या सहेलियों के बीच में समय काट रहे, कोई यहाँ वहाँ पार्टी मना रहे। जब व्यर्थ के कामों में आप देखते हैं आप आत्मिक लोगों को, मसीही लोगों को, तो आप समझ जाइए कि वो शत्रु के हथियार का वो सामना किए हैं और वो हथियार उन पर चल रहा है, क्योंकि शत्रु का काम है कि आपको शरीर के अवस्थाओं में दोबारा लौट कर लाना और वहां पर आपको बंधुआई में डाल देना और आपका परमेश्वर के साथ का संगति को खत्म करना। ये उसका हथियार है, ये भटका देने के काम जब लोग आपको कर देखेंगे, आप कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए वो शत्रु के निशाने को वो देख रहे हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई तमन्ना आएगा, कोई इच्छा आएगा, कोई ऐसा समय आएगा कि आपको ललचाएगा, चलो थोड़ा ये कर ले, चलो थोड़ा सहेलियों के बीच में जाए, चलो थोड़ा सा कहीं दोस्तों के बीच में जाए, चलो कहीं तो जाकर घूम कर आ जाए, चलो कहीं तो ये करके आए, वो करके आए, तो आपको समझ जाना है कि शत्रु आपके शरीर की लालसा को उकसा रहा है। तो आपको ये लालसाओं के अधीन नहीं जाना है, आपने उस समय परमेश्वर के लालसाओं में बढ़ जाना है, वचन के अंदर बढ़ जाना है, प्रार्थना के अंदर बढ़ जाना है, अन्य भाषा में बढ़ जाना है। वो समय को शत्रु के हाथों में नहीं दे देना है, उसके हाथों के हथियार के नीचे आप चलते हुए नहीं जाना है।
और जब लोग ऐसे शत्रु के हथियार के नीचे भटक रहे होते हैं, तब उनको अगर कोई प्रचारक बोल भी दे, आमिन कहे, तो जल्दी से उनके मुंह से आमिन नहीं निकलता है। उनके मन को वचन स्पर्श नहीं करता है, उनके भावनाओं के अंदर ढीलापन रहता है, एकदम सुस्त बने हुए पड़े रहते हैं, या फिर ऐसा लगता है उनको क्या पता क्या होगा कि नहीं हमारा काम, ऐसे प्रकार के संदेह में होते हैं या किसी डर में रहते हैं। तो ये कारण क्या है? क्योंकि भटकना उनको पसंद है और वो शत्रु उनको भटका रहा है और वो भटकते जाते हैं और फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। लेकिन जब हम आत्मिक लोग उनको संभालने की कोशिश करते हैं तो हम उनके लिए व्यर्थ लगते हैं, हमारा उनको फायदा नहीं है ऐसा उनको लगता है, वो हमको तुच्छ जानते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अब शत्रु के हथियार के नीचे दब चुके हैं, इसीलिए उनको हमारा कोई फायदा नहीं है ऐसा लगता है। इसलिए आपके सुनने के ऊपर ध्यान रखिए, आप किसके सुनते हैं। जब आप शत्रु के सुनते हुए जाएंगे तो आपके काम आपके बता देंगे कि आप किसके सुन रहे हो। आप भटकते हुए दिखाई देंगे तो समझ जाएंगे लोग कि ये शत्रु की सुन रही है। और अगर आप सच्चाई में परमेश्वर में बनी रहेगी और आत्मा में आत्मिक कामों में बने रहेंगे तो आपके काम आत्मा में दिखाई देंगे, मतलब आपके शरीर के द्वारा दिखाई देंगे, और वह समझ जाते हैं कि हाँ ये भटकने वालों में से नहीं है। इसकी वजह से फिर जहां भी आप जाते हो आपके फलों से आपको पहचाना जाएगा कि आप आत्मिक हो या नहीं है। देखिए, जब कोई ऐसे प्रकार के कामों में अपने आप को आनंद मनाता है जो व्यर्थ की है, जहाँ कहीं कुछ तो बहुत ही रंगीले ढंगीले कपड़े हैं, जहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया सा जूता है या कोई बढ़िया प्रकार के सूट बूट है या बढ़िया प्रकार का परफ्यूम है, और आप उसके पीछे लालसाएं आपकी उछल कर कह रहे कि अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये है वो है, बस ऐसा इतना ये वो, आपको क्या पसंद आया उसके अंदर? क्या आपकी आत्मिकता का जोर बढ़ने वाला है उससे? तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको अपने शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर उछल कूद नहीं करनी है, आपको परमेश्वर के आत्मिकता में उछल कूद में उठना है। आपको वो स्वभाव आपको ज्यादा उछलने वाला लगना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के आधार में बैठता है। और आपने इसे इसीलिए धारण करना है, परमेश्वर के वचन में बैठने वाले स्वभावों को, क्योंकि वो ही स्वभाव है जो आप वचन के आधार से जी रहे होते हैं। तो जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है आप जल्दी से सुन पाते हैं और पकड़ पाते हैं। आपको कोई परमेश्वर का दास और दासी कुछ आपके लिए करते हैं सेवा, तो आपके लिए धन्यवाद का मन से आप उनको धन्यवादित करते हैं। आपके लिए कहीं पर भी कुछ भी रुक जाता है तो आप किसकी सहायता लेना चाहिए, जल्दी आपको समझ में आ जाता है। इसके लिए आपको ईश्वरीय स्वभाव में बने रहना पड़ता है। ईश्वरीय स्वभाव का मतलब है परमेश्वर के वचन के स्वभाव गुणों में आपको चलते रहना पड़ता है। देखो, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो भी परमेश्वर के वचन ईश्वरीय गुण देते हैं हमको, अगर कोई जगह में आपको ये प्राप्त नहीं हो रहा है और आप आकर्षित हो रहे किसी भी चीजों में, किसी भी बातों में आप उछल रहे हैं, तो आप समझ जाइए वो उछलाने वाला, वो आपको आकर्षित करने वाला जो परमेश्वर के वचन के आधार से नहीं है, वहां पर दुष्ट आत्माएं मौजूद है जो आपको ललचा रही है, उछला रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बातों से बच के रखना है अपने आप को। आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा, प्रोफेट शेपर्ड बुशीरी कहते हैं कि आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के मनन में लगाए रखिए, उसके वचनों के मनन में, उसकी प्रार्थनाओं में लगाए रखिए, उसके पीछे आप धुन भरे रहिए, और देखिए फिर शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप सारे समय सफलताओं को देखिए, शत्रु के ऊपर चढ़ाई करके सफल हो चुके हैं, इसी दृश्य को आप देखते हुए चलिए, क्योंकि ये एक क्षेत्र है जो ताकत बनाता है। आपके सोचों के अंदर परमेश्वर का आत्मा सोचे देता है और वो बल पकड़ती है। इसके लिए आप वही सोचिए जो आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना है। आप देखना शुरू कीजिए, यही मैं आपको कहूंगा कि आप कभी नहीं हारेंगे, आप उन्नति के ऊपर उन्नति करते हुए जाएंगे। एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते मैं ये कहता हूँ आपके ऊपर कि आप सबसे ज्यादा समृद्धि से भरे हुए रहेंगे। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं, इतने
प्रकार के समृद्धि की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगी। ऐसे प्रकार से मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। ये होना चाहिए आपके दृश्यों में, आपके आंखों में, आपने देखने के लिए आपकी आंखों के काम आपको इस प्रकार से करना है। कोई भी बाइबल का वचन से चलने वाला कभी भी इसके पहले कभी भी इस प्रकार से कहीं भी प्रकार से कोई भी प्रकार से बहुत बड़ा होशियार ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा एक कोई तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ऐसा नहीं था। सबके सोचों ने सबको बदल दिया। परमेश्वर के वचनों के सोचे उनमें मिले, कोई परिस्थितियों के कारण, कोई उपद्रव के कारण, किसी भी वजह से उन्होंने परमेश्वर के वचन को थाम लिया और वो अपने अंदर एक बहुत ही बड़ी सामर्थ्य जाति बन गए। चिंता करना रोक दीजिए। चिंता करके आप अपने ही आप को रोकते हैं, अपने ही रास्तों को आप आड़े आड़े बने रहते हैं। आप अपने आप को चिंताग्रस्त करके आप शैतान के जो स्तर है, चौथा आत्मिक क्षेत्र जिसके अंदर आप भी मौजूद हैं, आप शैतान को आप तक पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं चिंताग्रस्त रहकर। जो भी आप आत्मिक क्षेत्र में है, अभी आप मसीह के अंदर है, आत्मिक क्षेत्र में है, आपको याद रखना है कि आप जैसे प्रकार के सोचोगे और आपकी भावनाओं में जैसे प्रकार के आप रहोगे, वही एक ताकत बनता है आपके शरीर के अंदर से। आप वही कामों को करोगे, आपके लिए भी वही काम किए जाएंगे दूसरों की तरफ से भी। इसके लिए आपके सोचों की आप रखवाली कीजिए, आपका प्रभाव वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए पहले शैतान आपके सोचों पर ही आक्रमण करता है ताकि आपको चिंता से, डर से भर दे, निराशा की सोचों से भर दे, आपको असफलताओं की सोचों से ग्रस्त कर दे, ताकि आप उसी को देख देख कर आपके शरीर में वो शक्ति को आप प्रदान करते रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द में वही लोग आपको आकर्षित हो जाते हैं जो आपको असफल कर देंगे, जो आपको निराश कर देंगे, जो आपको भरपूरी की पीड़ाओं में रखेंगे। तो आपके सोच में से ही शत्रु चलाकी के साथ इस प्रकार के ताकत को तैयार कर रहा होता है। इसलिए परिस्थिति कुछ भी रहे, आप अपने मुंह के ऊपर कब्जा रखिए और सोच के अंदर कब्जा रखिए। ना ही आप सोचों में से परमेश्वर के अंदर विश्वास करने से अलग होना, और ना मुंह से आप जो भी डर की बातें या कोई भी प्रकार के जो आपको उन्नति नहीं कराती है ऐसी बातों को नहीं बोलना है आपने। आपने दोनों तरफ अपना पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां परिस्थितियां डगमगाने लगती है। आपकी सोच और आपका मुंह आपको और ज्यादा परिस्थिति में बिगाड़ देता है। शत्रु आपको इसी प्रकार से बंधुआई में लाता है, आपके सोच के अंदर से ताकत उत्पन्न करता है, आपके शरीर में से उन्हीं लोगों को आपके पास पास लाकर रखता है ताकि आपकी सोच और आपके इर्द गिर्द हो रही बातें दोनों भी आपको समानता में दिखने लगती है, तो आपको फिर वो पूरी तरह से अपना शिकार करने में सफल हो जाता है। परिस्थिति कैसे भी रहे, जैसे ही निगेटिव नकारात्मक सोच आपको लगने लगती है, तुरंत निकल पड़िए वहां से। परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए, अपने अंदर से शक्ति को परमेश्वर के वचन से बनाइए, और आपके इर्द गिर्द भी वही वातावरण रहेगा जो परमेश्वर के वचनों को थामा है आपने। वही लोग, वही शक्ति परमेश्वर की आपके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगेगी, आकर्षित हो जाएगी आपकी तरफ। और वही बोलिए जो आपको सफलता में देखना चाहते हो आप, वही बोलिए जो शत्रु को गिरते हुए देखना चाहते हैं आप, वही बोलिए और वही को आप देखिए अपनी आंखों में से। यही तो पवित्र बाइबल भी बताता है हमको कि जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूँ, जो शक्तिहीन है, बलहीन है, वो कहे मैं बलवान हूँ। यही तो पवित्र बाइबल भी हमको बताता है। आपकी मनोदशा बदलनी ही चाहिए, मसीही मनोदशा बनानी है, वचनों की मनोदशा आपकी होनी है। आपके शब्दों में बदलाव आना ही चाहिए, आपके शब्द जो आपके कोठार है, भंडारे शब्दों का, उसमें तो आप परिवर्तन होना ही चाहिए, वचनों के शब्द आपके अंदर उभर कर आना चाहिए।
अब कभी भी आपको ये सवाल नहीं आएगा कि मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं इतना सामर्थ्य और शक्ति से भरा हूँ और फिर भी ये परिस्थिति मेरी ऐसे क्यों है। आपको अभी सवाल करने के लिए अब कोई भी आपके पास ऐसा समय नहीं रहेगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं चौथे क्षेत्र में से आपको उठना है पांचवें क्षेत्र में, जहाँ पर अनुग्रह है, और अनुग्रह में भी क्षेत्र है जहाँ से आपको अनुग्रह से अनुग्रह की तरफ, महिमा से महिमा की तरफ ऊंचे उठते जाना है।